वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड, और हम पहले सबसे पहले डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद हम सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। ऑडिबल है ये? हेलो हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है डिमांड। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड के मीनिंग को बताइए। मेरा सबसे पहला सवाल आपके साथ में यही है कि बताइए डिमांड किसे कहते हैं, किस चीज को डिमांड कहेंगे। तो एक बहुत जनरल सा आंसर जो बच्चों का आता है वो यही आता है कि सर किसी भी गुड्स की या कमोडिटी की जो हम डिमांड करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिमांड होता है। अगर आप ये आंसर कर रहे हैं कि किसी भी कमोडिटी की जो आप डिमांड करते हैं वो आपका डिमांड में कंसिडर हो जाएगा, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आप जो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिएगा, आप किसी कमोडिटी की डिमांड आपने अपनी लाइफ में आज तक नहीं की है, ठीक है। आप कभी किसी कमोडिटी की डिमांड नहीं करते हैं, आप बेसिकली कमोडिटी की क्वांटिटी का डिमांड करते हैं। मेरी बात आप समझिएगा, अगर आप एक मार्केट में पहुंचते हैं तो आप मार्केट में पहुंचते हैं तो पूरी मार्केट पूरी बाजार नहीं खरीद लेते हैं, आप उसमें से कुछ क्वांटिटी की ही डिमांड आपकी रहती है। तो बेसिकली सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि जो आपकी डिमांड है कोई कमोडिटी नहीं है, उस कमोडिटी की क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप राइस लेने के लिए भी किसी परचून की दुकान पर अगर आप जाते हैं, तो वहां पर अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे राइस दे दो, सिर्फ कमोडिटी का नाम मेंशन कर देंगे, तो वो आपको नहीं दे पाएंगे। वो आपसे पूछते रह जाएंगे कि भैया कितनी देनी है, आप बस यही बोलते चले जाइए राइस दे दो राइस दे दो, वो आपको नहीं देंगे। क्लियर है? वो आपको एक टाइम पर आपके हाथ जोड़ करके बोलेंगे जी मैं आपके जो है मैं आपको जो है वो नहीं फुलफिल कर सकता हूँ, वो मैं नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डिमांड, कोई कमोडिटी डिमांड होती ही नहीं है किसी की, डिमांड होती है उस कमोडिटी की क्वांटिटी। क्लियर है? अगर आप जाते हैं राइस लेने तो आप कहेंगे 50 किलो चावल दे दो, तो चावल में से जो 50 किलो क्वांटिटी आप ले रहे हैं वही आपकी डिमांड है। पूरी दुनिया की तमाम जितनी राइस है वो सब के सब आपकी डिमांड नहीं हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को एनालाइज कीजिए और सोचिए और समझिए, आज तक आपने जितने भी कमोडिटी की डिमांड की है या फिर आपने आज तक कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड की है, आपकी जो डिमांड रही है वो कमोडिटी नहीं रही है, कमोडिटी की क्वांटिटी रही है। तो पहली बात तो ये समझ जाइएगा कि डिमांड क्या होता है, ठीक है, कमोडिटी या कमोडिटी की क्वांटिटी, कमोडिटी की क्वांटिटी। अब बात करते हैं, अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो पहले इस बात को समझिएगा, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के केस में वो क्वांटिटी कंसीडर नहीं होगा जो कि आपने अब तक पहले से अभी तक किया है, या फिर वो क्वांटिटी भी कंसीडर नहीं होगा जो आप आने वाले भविष्य में करने वाले हो। एट प्रेजेंट उस समय जो आप क्वांटिटी ले रहे हो, अगर आप एक दुकान पर जाकर के 50 किलो राइस ले रहे हैं तो उस समय आपकी डिमांड में 50 केजी राइस ही कंसीडर किया जाएगा। इससे पहले कितना लेके जा चुके हो या इसके बाद कितना लेके जाओगे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एक तो क्वांटिटी इसमें मेन पॉइंट है, और दूसरी बात वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होनी चाहिए, वो भी किसमें होनी चाहिए, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए, और उसके बाद जो है क्वांटिटी के बाद गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि दूसरी बात यह है कि वो जो है आप रेडी होने चाहिए बाय करने के लिए, रेडी टू बाय, आप उसको खरीदने के लिए तैयार भी होने चाहिए। क्यों? मान लीजिए आपको एक ब्रांडेड चीज नजर आई, 1000 रुपए की आपको शर्ट नजर आई, ठीक है, वो आपसे पूछते कि सर आपके पास वो 1000 रुपए का, आप कहते हो जी 50 रुपए का लगा दो,
तो वो आपको पता है कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। इवन आपका फ्रेंड भी आपके साथ जो गया हुआ है वो भी कहेगा यार तुम्हें तो कुछ चाहिए है नहीं और ऐसी मार्केट में आ गया, मतलब उस चीज को डिमांड में कंसिडर नहीं किया गया है। तो डिमांड होने के लिए जरूरी क्या है, रेडी टू बाय, क्लियर है। खरीदने के लिए आप क्या होने चाहिए, तैयार भी, रेडी टू बाय एट गिवन प्राइस, एट गिवन प्राइस, ठीक है। आप गिवन प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार भी होनी चाहिए, ठीक है। और चौथी बात क्या है कि जिस गुड्स की आप डिमांड कर रहे हो वो गुड्स जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, पर एग्जिस्ट करनी मतलब कि पॉसिबल हो। अगर आप बोलेंगे कि मुझे तारे और एक चांद दे दो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो उसको एज अ डिमांड कंसिडर नहीं करेंगे, क्लियर है, जो अवेलेबल भी हो बिकने के लिए। तो डिमांड क्या होता है, कॉमोडिटी होती है या क्वांटिटी होता है, और उस क्वांटिटी को आप गिवन पीरियड ऑफ टाइम में गिवन प्राइस पर बाय करने के लिए रेडी होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तब आपका डिमांड होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आज बताइए सुबह सुबह आप क्या लेकर के आए, मान लो सुबह सुबह आपको एक बिस्किट भी लेकर आए, तो आप उस समय आपने एक बिस्किट बाय करा, क्वांटिटी भी मेंशन किया आपने, जो प्राइस था उस प्राइस पर खरीदने के लिए आप रेडी भी हुए, वो चीज अवेलेबल भी थी, तब जा करके वो आप जो एक बिस्किट आप सुबह लेकर के आए हैं उसको क्या कहेंगे, उसको एज अ डिमांड में आपकी कंसिडर किया जाएगा। तो सिर्फ डिमांड एक इतना सिंपल डेफिनेशन नहीं है कि किसी को मांग लेना डिमांड कहलाता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, आइए क्या कहता है डिमांड के बारे में समझिएगा। डिमांड क्या कहता है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या क्या चीजें मेंशन कर रहा है, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच एंड पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर है। तो ये सारे टर्म्स को आप अपने डेफिनेशन में डालिए, तभी जा करके वो एज अ डिमांड कंसीडर होगा। तो चलिए अब आपको आज से सभी बच्चों को पता लग गया डिमांड क्या होता है, कोई कमोडिटी नहीं, कमोडिटी की क्वांटिटी जिसको एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में गिवन प्राइस पर आप बाय करने के लिए रेडी हो, वो आपका डिमांड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड शेड्यूल। आपको लॉ ऑफ डिमांड बताना है, तो लॉ ऑफ डिमांड में जनरली आप एक चीज यही आप देखेंगे, आपने चीज आपने रियलाइज भी किया है प्रैक्टिकली, आपने देखा हुआ है कि नियम क्या है मांग करने का, किस आधार पर मांग किया जाता है, लॉ क्या है डिमांड का। तो आप जनरली देखते हैं कि जब किसी कमोडिटी की अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है मार्केट में, जनरली आपने अपने साथ में देखा होगा कि जब कोई कमोडिटी है और उसकी प्राइस बाजार में बढ़ जाती है, तो जनरली आप क्या करते हो, उस चीज को कम खरीदने लग जाते हो, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, क्लियर है। और जैसे ही अगर उसकी प्राइस जो है वो कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो जनरली आपने देखा है कि प्राइस जैसे ही बढ़ेगा किसी भी कमोडिटी का, तो लोग उसकी डिमांड क्या करेंगे, कम, और प्राइस जैसे ही कम होता है बाजार में, चीज सस्ती हो जाती है बाजार में, तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, क्लियर है। तो अब आप ये पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं, ये बात तो हम भी जानते हैं, हमने भी ऐसा किया हुआ है कि मार्केट में जब देखते हैं प्राइस बढ़ गया तो हम डिमांड कम करते हैं, देखते हैं कि प्राइस कम हो गया तो हम डिमांड उस चीज की ज्यादा करते हैं, ये तो हम करते हैं, ये तो हम जानते हैं, पर ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। आप ये सवाल अगर आपके दिमाग में है, इसका जवाब आपको अगले सवाल में मैं दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप लॉ ऑफ डिमांड के बारे में समझिए, किसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन को बताता है, किस रिलेशन को बताता है, जरा समझिए आप इस चीज को, वो बताता है आपके कि प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। प्राइस और डिमांड के बीच की अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस हो गया और ये प्राइस और ये आपके क्वांटिटी डिमांडेड, तो जब प्राइस आपका बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, कम होता है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर इनवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनवर्स डायरेक्शन में कभी भी कोई चीज मूव करती है ना, तो उसको हम नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। जैसे कि प्राइस अगर यहाँ पर फॉल होगी तो डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनके बीच में जरा रिलेशन को समझिए, कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन इनके बीच का नेगेटिव रिलेशन है। तो इसलिए नेगेटिव रिलेशन को आप इनवर्स रिलेशन भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं,
और अपोजिट रिलेशन भी कहते हैं, ये एक ही बात है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है, नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी इज इनवर्स। क्लियर है जी? जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो इनवर्स होता है। कह रहे हैं सिक्स सेमेस्टर में आप मैक्रो भी पढ़ेंगे ना? बिल्कुल जी, मैक्रो सिक्स सेमेस्टर में। लेकिन मैक्रो जो है ना, उसमें एक आपको पता है कि उसमें एक नेशनल इनकम भी है। तो और क्योंकि यहां पर माइक्रो कंपेटिबली थोड़ा सा चैप्टर की लेंथ इसकी कम है और न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम में, तो वहां पर आपके पास में एपी एमपीसी मतलब न्यूमेरिकल का ही अपना एक अलग सेक्शन है इस वक्त। वो जो आपने पीछे ट्वेल्थ में आपने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्वेल्थ में आपने क्लोज मार्केट इकोनॉमी पढ़ी थी, वो सब मैं बात करूंगा आगे चल करके। लेकिन क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल एक अलग लेवल का, एक अलग स्टैंडर्ड का इसका न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरी को कनेक्ट किया गया है, बिल्कुल मैथ्स से जोड़ा गया है। तो एक तरीके से जब आप अंदर जाएंगे तो आपको मैथ्स आपको दिखने लग जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उस चीज के लिए हमें मैक्रो को टाइम पे स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप एक बात को अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप अपना जो ड्यू है, जो आपका सोल है, तो आप इस चीज में बिल्कुल भी मत बैठिए कि वो एडमिशन कब लेंगे, वो रिजल्ट कब देंगे। वो आपको जो है ना, कई बार पीछे भी ऐसे हो चुका है कि जैसे कि आपके पास पे पेपर से दो दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल दिया था, आप यकीन नहीं करेंगे, पेपर से एक दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया, कल आपका पेपर है। तो ऐसे भी सोल में हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपका सेमेस्टर फाइव के सारे पेपर आपके खत्म हो जाए। जैसे ही आपके पेपर सारे खत्म हो जाएंगे, मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगा रिजल्ट का, मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगा किस चीज का, आपके एडमिशन होने का। मैं क्या करूंगा, मैं आपका सिक्स सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फेल होने का तो चांस आपका रहता नहीं है। माइक्रो में तो फेल नहीं होंगे, गारंटीड है, मैं आपको ये लिख करके दे रहा हूं, माइक्रो में फेल नहीं होंगे। अभी मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस भी बताऊंगा, अभी दो चार पांच दिन रुक जाइएगा, तो मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन माइक्रो को बताऊंगा। सिर्फ वो आप वो 20 सवाल पढ़ लेंगे तो आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स सारा पेपर उसमें से ही आएगा। और एंड टाइम में टॉप उसमें से भी टॉप 15 को हम शॉर्ट करेंगे, फिर टॉप 10 मैं लास्ट के 3 डेज में बोलूंगा ये 10 क्वेश्चन रिवीजन कर लो। ये सब चलेगा अभी आपका, ये सब इस पे आएंगे। तो मैं बात कर रहा था मैक्रो पे, क्योंकि आप फेल तो होने वाले है नहीं। अगर एक आधा पेपर बाय चांस ऊपर नीचे हो भी गया तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट तो हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन ले लेंगे, रिजल्ट आपका नेगेटिव आया तो क्या करोगे, रिजल्ट तो इतना नेगेटिव नहीं आएगा कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, वो आपको देना ही है। एक आधा अगर आपका ऐसा तो होगा नहीं, बट बाय चांस अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता तब भी देना ही पड़ेगा। तो एग्जाम खत्म हो सेमेस्टर फाइव के सारे पेपर, देन नेक्स्ट डे ही मैं मैक्रो इकोनॉमिक को मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए स्पेशल रहेगा, जो बच्चे सेमेस्टर फाइव को पढ़ के सेमेस्टर सिक्स में जा रहे हैं उनका डिस्काउंट रहेगा, और बाकी बच्चों का थोड़ा सा फीस जो है जनरली वो आपकी कंपेटिवली ज्यादा ही रहेगी। चलिए, मैं बात कर रहा था किसके, मैं बात कर रहा था लॉ ऑफ डिमांड की। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आप समझ पाए, लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है जी। अब लॉ ऑफ डिमांड में अगर आप देखें तो ये क्या कहता है, देखिएगा एक बात और समझिए, मैं किसी कम्युनिटी की डिमांड की बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं डिमांड। तो डिमांड आप भी जानते हैं कि डिमांड कभी भी हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, डिमांड कभी इंक्रीज भी हो जाता है कम्युनिटी का, डिमांड कभी डिक्रीज भी हो जाता है। तो डिमांड में जो है चेंजेस आते रहते हैं, क्लियर है। इस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी चीजें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, डिमांड में चेंज के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। और एक चीज जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होता है वो अदर फैक्टर, वो आपका क्या होता है, अदर फैक्टर। थोड़ा टेक्निक से भी पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने, न्यूमेरिकल है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करेंगे। तो बेसिकली डिमांड हमेशा के लिए कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, डिमांड अप्स एंड डाउन रहता है, फ्लक्चुएट रहता है। उसके पीछे दो चीजें काम करती हैं, दो रीजन हो सकते हैं, या तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स की वजह से डिमांड फ्लक्चुएट हो रहा है, या तो फिर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा, एक साथ दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि एट अ टाइम एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, या तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स रिस्पॉन्सिबल है, तो अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब सवाल आपका यह है कि सर प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या है। जैसे मैं अगर इस गुड्स की डिमांड की बात कर रहा हूं, तो मैं इसी की प्राइस की बात करूंगा, तो ये हो गया प्राइस ऑफ गिवन गुड्स।
तो इसकी डिमांड में चेंजेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल इसका प्राइस हो सकता है। अगर इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके डिमांड में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके डिमांड में चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इसकी प्राइस है। तो ऐसा कहते हैं कि कमोडिटी की डिमांड में जो चेंजेस आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसकी खुद की प्राइस हो सकती है, उसे बोलते हैं प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसके पीछे उसकी प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि उसकी प्राइस का कोई रोल ही नहीं है, उसकी खुद की प्राइस क्या कॉन्स्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तब भी डिमांड उसकी फ्लक्चुएट होती है। मेरी बात आप समझिएगा, इस समय जो है जो गर्म कपड़े हैं, जैसे कि विंटर का टाइम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो स्वेटर सस्ते हो गए, 10-10 5-5 रुपए में हो गए, प्राइस कम होने की वजह से लोग उसको ज्यादा ले रहे हैं, लोग हुडी पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हो भैया, क्यों डिमांड कर रहे हो? मार्केट में जाके पूछो तो भाई सस्ता हो गया है, 10-10 रुपए में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इसकी डिमांड अगर बढ़ रही है आज की डेट में तो वो है वेदर। तो कई बार प्राइस रिस्पॉन्सिबल है डिमांड में चेंज के लिए, तो फिर प्राइस ऑफ गुड्स, अगर प्राइस कई बार कांस्टेंट होता है और उसके अलावा भी कुछ और वजह होती हैं जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम या जो है ज्यादा हो रही होती है, तो जब प्राइस कांस्टेंट है, उसके खुद के प्राइस का कोई रोल नहीं है और किसी और वजह से डिमांड आपका अफेक्ट हो रहा है, तो उन सभी वजहों को हम बोलते हैं अदर फैक्टर। मेरी बात समझे, वो अदर फैक्टर क्या भी आगे पढ़ोगे आप। फिलहाल आप ये समझिएगा कि डिमांड में चेंजेस के पीछे दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, और एट अ टाइम कोई एक ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो आपको लिखना पड़ेगा कि अदर फैक्टर कांस्टेंट है। अगर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या कांस्टेंट है। क्लियर है जी, मेरी बात समझे। और लॉ ऑफ डिमांड में है ना, जब आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पर अदर फैक्टर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अदर फैक्टर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसका कोई रोल नहीं रहता है, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो उसका प्राइस, कमोडिटी की खुद की प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी। क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है जी, लॉ ऑफ डिमांड इसी को हम कहते हैं। मेरी बात समझे, क्लियर है जी। और बहुत सारी बात आपको समझ में आएगी कि इसकी वजह से क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स बताता है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। अदर थिंग का मतलब समझ में आया ना आपको? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसके प्राइस के साथ में कैसे रिलेट करती है, वो उसके साथ में इनवर्स रिलेट करती है। इट्स डिमांड फॉल्स व्हेन प्राइस राइज प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज्ड। अदर फैक्टर क्या रहते हैं? अनचेंज रहता है। Thus there is an inverse relationship between the price and demand. Instance, an individual may demand 1 dozen of banana at 15 rupees per dozen. However, the demand to 2 dozen if the price of the 10 dozen. तो ये बता रहा है कि प्राइस जैसे ही कम हुआ तो क्या हुआ, डिमांड आप 1 dozen से 2 dozen करने लग गए। एक इमेजिनरी शेड्यूल से भी समझिएगा, ये प्राइस जैसे जैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना प्राइस, आप देखिए प्राइस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है प्राइस आपका, डाउन हो रहा है तो आप देखिए डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड आपका 1, 2, 3, 4 आपका बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं इसके पूरे के पूरे एक शेड्यूल, और चलिए समझ लेते हैं हाइपोथेटिकल, मैं टेबल बना रहा हूं जिसमें कि मैं प्राइस ले रहा हूं और मैं क्वांटिटी डिमांडेड ले रहा हूं। क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, चलिए प्राइस मैं ले रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं 10, 11, 12, 13 और 14। तो आप देखेंगे डिमांड क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वो 100 यूनिट से आपका जो है वो कम हो जाएगा, 90, 80, 70 और 60। तो एक चीज आप देख पा रहे हैं कि प्राइस आपका जैसे ही इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर प्राइस आपका डिक्रीज होता तो डिमांड आपका इंक्रीज होता। तो बेसिकली शेड्यूल आपको बता रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड के बीच में रिलेशन बता रहा है। बात करते हैं डायग्राम की, तो डायग्राम में
हाँ जी, देखिए ये आपका जो है ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस है, और ये प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस आपकी, और आपके पास में एक्स एक्सिस पे जो है वो हम क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले एक बात आप समझ चुके हैं कि प्राइस और डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक डायग्राम में, और प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन होता है इनवर्स लॉ ऑफ डिमांड में, और जिसका भी इनवर्स रिलेशन होता है उसका डायग्राम लेफ्ट से स्टार्ट होता है राइट डाउनवर्ड जाता है। तो डिमांड का डायग्राम कैसा बनेगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ठीक है जी, इस तरीके से। इसमें आपको एक बात समझ में अच्छे से और आ जाएंगी क्या, कि आप देखिएगा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक प्राइस पे, अगर प्राइस आपका यहां पर ये ओपी है तो डिमांड ओक्यू है। ठीक है, क्लियर है। और जैसे ही प्राइस अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो प्राइस अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा, ओपी से ओपी वन हो जाएगा। प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कर को टच करके नीचे आओ, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि डिमांड आपका क्या हुआ, ओक्यू से ओक्यू वन। तो प्राइस जैसे ही बढ़ा डिमांड वैसे ही कम हो गया। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखते हैं कि प्राइस अगर आप कम करते हैं ओपी टू, प्राइस कम करते हैं तो डिमांड को टच करके नीचे आएंगे, तो आप देखेंगे आपका डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड आपका बढ़ जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे ही आपके पास में प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हुआ, और प्राइस जैसे ही डिक्रीज हुआ तो डिमांड आपका बढ़ गया। तो ये आपका डिमांड कर्व का डायग्राम है, जो कि आपके लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो बहुत बेसिक सवाल था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आप एक शेड्यूल एक डायग्राम से आप बताएं। अब देखिएगा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ द डिमांड शेड्यूल, तो ये चीज एक्सप्लेन हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस के बारे में समझिएगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है जी, क्लियर है। तो आप यहां पे समझेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस क्या होता है, कहीं कई बार ऐसी चीजें पाई गई हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो जनरली तो यही कहता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। जैसे नवरात्रों में फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी फ्रूट्स के ज्यादा हो जाते हैं, तो जनरली तो यही देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ये नियम लागू नहीं होता है, तो वो सिचुएशन, वो स्थिति जहां पर ये नियम लागू नहीं होगा उसको हम एक्सेप्शंस कहेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस अलग होता है, अजम्पशन अलग होता है। अजम्पशन का मतलब होता है इन चीजों को मान के चलोगे तो ये चीजें लागू हो जाएंगी। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि यहां यहां पर ये जो आपकी चीज ये लागू नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। क्लियर है जी, मेरी बात समझे नहीं समझे, कोई डाउट। जैसे हम कहते हैं कि भाई इंसान बहुत अच्छे होते हैं, एक्सेप्शनल केस भी है, नहीं भी होते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं होते हैं, उनको आप गिनवा दोगे जी ये लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, तो मतलब ये एक्सेप्शन हो गए ना। तो एक्सेप्शन का मतलब समझ में आया, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कहां पर अप्लाई नहीं, कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जब प्राइस एक्सपेक्टेशन होगा ना, मतलब प्राइस के बारे में फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, तो वहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां प्राइस एक्सपेक्टेशन होगा। मैं एग्जांपल के लिए एक चीज समझाता हूं प्राइस एक्सपेक्टेशन में आपको। देखिएगा, एक एग्जांपल के लिए समझिए, 2014 में अगर आप देखेंगे तो एक रूमर यह आया था कि अब गुजरात से नमक की सप्लाई होती है तो बिहार में नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार कुछ मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे थे। तो उस समय जो है ये खबर आ गई कि अब मोदी जी को पसंद कर नहीं रहे, ये सच्ची बात है, 2014 की बात है ये। तो उस समय खबर ये आई थी कि मोदी जी को ये नीतीश कुमार पसंद कर नहीं रहे, तो अब नमक की सप्लाई गुजरात से होती है तो अब बिहार को नमक नहीं दिया जाएगा। मतलब एक इतना नॉनसेंस रूमर्स का भी एक, चलो कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, इतना नॉनसेंस रूमर्स जो है ये बना। अब ये बना तो ये खबर बिहार में बहुत तेजी से फैल गई। अब बिहार में खबर तेजी से फैलने के बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया कि आने वाले टाइम में नमक की कमी देखने को मिलेगी बिहार में, ऐसा आइडिया लगा। और उनको ये एक्सपेक्टेशन भी था कि फ्यूचर में फिर तो नमक के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था कि फ्यूचर में इसके जो है प्राइस बढ़ेंगे। तो क्या होने लग गया, करंट में ही लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। अब जब करंट में डिमांड करना शुरू कर दिया तो 2014 में नमक 200 रुपए किलो तक बिक रहा था बिहार में,
तो नमक के प्राइस बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और इसका डिमांड भी बढ़ता जा रहा था, लोग स्टॉक करने लग गए थे। तो आप बताओ, प्राइस भी नमक का बढ़ रहा है और साथ में इसका डिमांड भी बढ़ रहा है, इस वजह से, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसकी प्राइजेस बढ़ेंगे, इस वजह से प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड है? लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, क्लियर है? लेकिन जब फ्यूचर में प्राइस में एक एक्सपेक्टेशन आ जाएगी प्राइस बढ़ेगी, तो अगर उसकी प्राइस करंट में बढ़ने लग जाए तब भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये एक एक्सेप्शन हो गया। मेरी बात समझे? तो पहले आपको समझाया प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है, क्लियर है? दूसरी बात अगर मैं करूं टाइप ऑफ गुड्स की, तो टाइप ऑफ गुड्स में अगर मैं एक बात करूं गिफन गुड्स की, गिफन गुड्स के बारे में ऑलरेडी हम सब ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, अच्छे, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ हमने समझा है गिफन गुड्स के बारे में। तो गिफन गुड्स की अगर मैं बात करूं तो गिफन गुड्स में क्या समझा आपने, गिफन गुड्स क्या होता है आप बताइए जरा, आप लोगों ने पढ़ा है मैंने, गिफन गुड्स क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं महा घटिया वस्तु। महा घटिया वस्तु कौन से लोग उपभोग करते हैं? कोई उपभोग करना पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर कोई कंजम्पशन कर रहा है, अगर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है जो महा घटिया है क्वालिटी में, तो इसका मतलब साफ है कि उसके जरूर एक आमदनी की मजबूरी है। अगर आप गिफन गुड्स के कंज्यूमर देखेंगे अपने आसपास जो गिफन गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो उनमें उनकी इच्छा आपको नजर नहीं आएगी, उनमें उनकी इच्छा नहीं होगी, उनकी मजबूरी होगी। उनका मन अगर आप टटोलेंगे तो उनका मन ऐसा करेगा कि भाई साहब कि कैसे मेरी आमदनी बढ़े, कि मैं इन गिफन गुड से आजादी लूं और थोड़ा सा अच्छी चीजों की तरफ मैं मूव करूं। तो ये एक वो जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के ऊपर या गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो किसी तरीके से अपने लिए दो वक्त का भोजन का इंतजाम कर पा रहे हैं, ऐसे लोग गिफन गुड्स पर इनको निर्भर होना पड़ता है, ये गिफन गुड्स के कंज्यूमर होते हैं, ठीक है? अब गिफन गुड्स के कंज्यूमर होते हैं तो जाहिर सी बात है लो लेवल ऑफ इनकम होता है इनका, ये बात तो आप समझ गए कि इनका जो है लो लेवल ऑफ इनकम होगा। तो लो लेवल ऑफ इनकम होगा, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि इस महाशय की इनकम जो है वो 20 रुपए है, ठीक है, और ये 1 kg, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजरा जो है वो महाघटिया वस्तु है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बाजरा बहुत अच्छी चीज है पेट के लिए और हेल्थ के लिए, शानदार चीज है, क्लियर है? इसे मोटे अनाज में काउंट करते हैं, शानदार चीज है, लेकिन आज के टाइम में जो चीजें माइंड सेट कर दी गई हैं, विदेशी शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल में लिखे जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं मेंशन कर रहा हूँ, बट देखा जाए हेल्थ के परस्पेक्टिव से तो ये एक अच्छी चीज है। तो 1 kg की मैं बात करूं बाजरे की, तो अगर आप 1 kg बाजरा जिसका रेट क्या है 15 रुपए, क्लियर है, और आप क्या करते हैं अपने परिवार को और 5 रुपए का आप कोई वेजिटेबल ला पाते हैं, बड़ी मुश्किल से बचे 5 रुपए, इसका आप कोई वेजिटेबल ला पाते हैं, और आप अपना परिवार चलाने के लिए आपको एक दिन में दो वक्त का भोजन आपको ग्रहण करने के लिए आपको 1 किलो बाजरे की नीड है, तो यहां पर आप 1 kg आप बाजरा ले आएंगे और प्लस में आप इसका जो है प्लस 5 रुपए में जितनी वेजिटेबल आप आए आप ला करके बना करके आप अपना किसी तरीके से अपने परिवार का अपना पेट भर पाओगे, अपने लिए कैलोरीज आप उतनी मैनेज कर पाओगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, पहले प्राइस 20 रुपए थे, अब प्राइस इंक्रीज होकर के अब प्राइस होगी आपके पास में क्या, मान लो 22 रुपये, 15 रुपए से अब प्राइस जो है इसकी 18 रुपए हो गई है, ठीक है, प्राइस अब इसकी इंक्रीज हुई है। अब बताइए प्राइस जब इंक्रीज हुई है तो एक बार बताओ क्या इसका ऐसा एटीट्यूड रहेगा कि भैया प्राइस बाजरे की बढ़ गई है मैं बासमती चावल की तरफ जा रहा हूं, मैं नहीं लूंगा क्योंकि बाजरा महंगा हो गया। अगर वो जा सकता था, भैया उसकी प्राइस बढ़ी है, उसकी इनकम थोड़ी बढ़ी है, अगर वो अफोर्ड कर सकता था तो वो पहले ही अफोर्ड कर लेता, वो मजबूरी से गिफन गुड्स के ऊपर है डिपेंडेंट, और गिफन गुड्स की जब प्राइस बढ़ जाएगा तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। ऐसे कंज्यूमर जिनकी लो लेवल ऑफ इनकम है, इस उसके गुड्स के प्राइस बढ़ने की वजह से उनकी इनकम का लो होने की वजह से वो दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये दूसरी तरफ क्या हो पाएगा, ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा, और ये जब शिफ्ट नहीं हो पाएगा अगर ये 15 रुपए बाजरा पे खर्च करेगा पहले की तरह, तो बाजरा इसके पास में 1 kg नहीं आएगी, 1 kg से कम आएगी, क्लियर है? तो ये अब अपने फैमिली के जो कैलोरीज की नीड है जो वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको 18 रुपए हो गया तो अब इसको अपने 18 रुपए उसको यहीं पर खर्च करने पड़ेंगे,
अब 18 रुपये यहाँ खर्च करेगा तो आप उसके पास में 1 kg आ जाएगा, बाकी बचे कितने, उसके पास 2 रुपये बचे। अब इस 2 रुपये का कोई वेजिटेबल उसको नहीं देगा, अब ये वेजिटेबल जो नहीं देगा तो वेजिटेबल की जो कैलोरीज जो उसका लॉस हुआ है उसको भी वो 2 रुपये आप कुछ तो कर नहीं सकता। अभी 2 रुपए को भी आप बाजरे पे खर्च करेगा तो बाजरे की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे कि प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड भी क्या करनी पड़ी, उसको इंक्रीज करनी पड़ी। क्लियर है मेरी बात, समझे? अगर मैं बात करता हूँ प्राइस, बाजरे की प्राइस की, गिफन गुड्स की प्राइस फॉल होने का, अगर मान लो प्राइस इसका फॉल हो जाए, ठीक है, आपके पास में प्राइस क्या हो जाए इसका, इसका प्राइस जो है वो फॉल हो जाए, अब प्राइस जो है गिर करके कितना हो जाए, 10 रुपए हो जाए। तो 10 रुपए अगर प्राइस हो जाएगा तो वो 1 kg कितने में अफोर्ड कर सकता है, वो 10 रुपए इनकम में खर्च कर करके वो क्या करेगा, वो 1 kg ले आएगा। उसका बच कितने गए, उसके पास में जो है बाकी 10 रुपए बचे, तो 20 रुपए में से 10 रुपए में 1 kg ले आएगा और बाकी 10 रुपए में वो वेजिटेबल लेगा। जब वो वेजिटेबल लेगा तो जाहिर सी बात है वेजिटेबल की क्वांटिटी बढ़ गया, अदर चीजें भी वो ला सकता है, 5 रुपए बच गया, तो फिर वहां से उसको 10 रुपए उसको 1 kg की नीड ही नहीं है। जब पैसे बच गए उसके पास में अदर चीजों पे शिफ्ट हो जाएगा तो 1 kg की नीड ही नहीं, इसको तो वो लेना पहले पहले भी नहीं जाता था, तो 1 kg से कम लाएगा। तो आपने क्या समझा, प्राइस कम हुआ तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि प्राइस कम होने से उसके पास से पैसे बच गया, दूसरी तरफ जब जाएगा तो उसकी कैलोरीज अदर गुड्स से उसकी फुलफिल होगी, तो यहाँ पर उतनी क्वांटिटी की नीड नहीं होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है जी, समझे? क्लियर है जी? तो यहां पर आप इस बात को समझिएगा कि गिफन गुड्स में आप देख रहे हैं कि क्या लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी क्या, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड है, इस बात को समझिएगा, ठीक है? व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, तो ये कुछ बातें कह रहा है आपसे, उन बातों को समझना है अच्छे से। एक पहला क्या कह रहा है, गिफन गुड्स, इसको आप समझिए, इन केस ऑफ सर्टेन लाइक ज्वार बाजरा, व्हेन देयर प्राइस फॉल्स, देयर डिमांड मे नॉट राइज बिकॉज कंज्यूमर डाइवर्ट देयर एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर कॉज्ड बाय फॉल इन प्राइस टू परचेस ऑफ सुपीरियर गुड्स सेज वीट राइस, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर सच इंफीरियर गुड्स हुज प्राइस हैज फॉलन आल्सो फॉल, सच इंफीरियर गुड्स आर कॉल्ड गिफन बिकॉज दिस फैक्ट वॉज द एनालाइज बाय द ऑल बाय सर रॉबर्ट गिफन, एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, उन्होंने इस बात को सबसे पहले रखा था, इसलिए इसको गिफन गुड्स कहते हैं, ठीक है? आगे क्या है, आगे कहता है स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स, अब इस बात को जरा समझिएगा क्या है ये, पहले आपको समझ में आया प्राइस टाइप ऑफ गुड्स के अंदर गिफन गुड्स एक्सेप्शनल ऑफ डिमांड है। अब एक बात और है कि चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फैशन, अगर फैशन चेंज हो जाए, फैशन किसी एक ऐसी चीज का आ जाए और वो पूरा ट्रेंड में चल रहा है, तो आप उसकी प्राइस अगर इंक्रीज भी हो रही है तो आप उसकी कोई केयर नहीं करोगे, चीज अगर फैशन में अगर वो महंगी भी हो रही है तब भी आप कोई फर्क नहीं करते हैं, अगर वो फैशन में तो उसकी डिमांड बढ़ाओगे, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये भी एक एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। क्लियर है जी? आगे क्या बात करते हैं, आपकी चेंज इन इनकम, भैया आपकी इनकम जबरदस्त तरीके से बढ़ गई, तो अब आप प्राइस में बढ़ने का डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं करोगे, आप तब भी डिमांड को आप बढ़ा लोगे, तो इसलिए ये भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। और इमरजेंसी के स्टेज पर भी आप नहीं करेंगे, मान लीजिए अभी जो है 2019 में आप सब ने वो दौर देखा जबकि कोविड आया था और लॉकडाउन लगा, और जिसपे मास्क सैनिटाइजर की बात इनिशियल लेवल पे मैं करूं 2019 दिसंबर की मैं बात करूं तो एक इमरजेंसी था वहां पर, जहां पर मास्क और सैनिटाइजर की लोगों को नीड थी, तो वहां पर आपने देखा प्राइस लगातार मास्क के कितने 200-200 रुपए तक मास्क के प्राइस बढ़ गए थे, लेकिन लगातार प्राइस बढ़ते जा रहे थे, उसके बावजूद भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, डिमांड कम नहीं हो रही थी, डिमांड भी बढ़ती चली जा रही थी, चाहे सैनिटाइजर चाहे मास्क हो, उस दौर में इमरजेंसी की सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये वही चीजों को थ्योरी में एक्सप्लेन कर रखा है। एक होता है स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स, अब आईफोन है, आईफोन कहीं ना कहीं जनरली लोग स्टेटस के लिए लेते हैं कि भैया आईफोन हाथ में तो लोग देखेंगे और पता लगेगा, खासकर उसके फीचर्स को लेकर की वजह से भी लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट जनरली जो एक देखा जाता है मिडिल क्लास में खासकर, उनके फीचर का कोई खास उनको यूज भी नहीं करना है, तब भी एक जिद रहती है कि उनको आईफोन लेना है, 1 लाख रुपए तक का 1000 रुपए तक का फोन लेना है, क्यों? क्योंकि वो एक स्टेटस को बताएगा, दोस्त यारों में जाएंगे जब बाहर निकलेंगे तो बताएगा भैया इस पे आईफोन है, वो दिखेगा तो सोचेगा यार इस पे तो यार आईफोन है, तो जो चीज स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है ना, अगर उसकी प्राइस बढ़ भी रही हो तब भी लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं, उसकी डिमांड को करते हैं ही, तब भी उसकी डिमांड बढ़ती है। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी मैं चर्चा में ला चुका हूं। क्लियर है? अब सवाल मेरा अभी आ जाता है क्या कि एक्सप्लेन द कॉजेस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले मुझे बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है।
तो लॉ ऑफ डिमांड, तो आप इस बात को समझते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की मैं बात करूं तो मैं प्राइस और डिमांड की बात करता हूं। प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज और डिमांड इंक्रीज, ये लॉ ऑफ डिमांड है। ये क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है आपके पास में, क्यों एप्लीकेबल होता है? ये तो हम सब करते ही हैं, ये हर कोई, जो स्कूल नहीं जाता, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, वो भी इस बात को जानता है और समझता है कि प्राइस बढ़ेगा तो कम खरीदेंगे भैया, और प्राइस कम होगी तो ज्यादा खरीद के ले आएंगे। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? प्राइस बढ़ने की वजह से हम ज्यादा क्यों खरीद कर लाते हैं, और प्राइस कम होने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से हम कम क्यों खरीद के लाते हैं, सॉरी, और प्राइस कम होने की वजह से हम ज्यादा क्यों खरीदते हैं? तो सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला इसमें अगर आप देखेंगे, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। ये क्या है, इसको समझते हैं जरा। लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये एक बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण मैं यही समझता हूं। ये क्या, इसको जरा समझिएगा अच्छे से। देखिएगा, एक कंज्यूमर की एक हैबिट होती है। कंज्यूमर की हैबिट क्या होती है? कंज्यूमर की हैबिट कुछ इस तरीके से रहती है कि कंज्यूमर यह चाहता है कि मैं जो पे कर रहा हूं, जितना मैं पे कर रहा हूं, मुझे एटलीस्ट कम से कम इतना तो मुझे रिटर्न मिले, तब जाकर के कंज्यूमर पे करेगा और कंज्यूमर उसको बाय करेगा, अदरवाइज कंज्यूमर उसको बाय नहीं करेगा। आप भी एक कंज्यूमर है, आप भी दिन भर में आप 10 बार खर्चा करते हैं, और आप भी इस बात को जानते हैं, खर्च करने वक्त में आप देखते हैं कि जो मैं पे कर रहा हूं जितना, उतना मुझे, उतने के बराबर मुझे कोई वैल्यू रिटर्न मिलेगी नहीं मिलेगी, उतना मेरे को सेटिस्फेक्शन उतने रुपए का मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इस चीज को आप ध्यान रखते हो, क्लियर है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जब प्राइस, और आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ये होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, और डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरना, तो संतुष्टि के स्तर में लगातार गिरावट आना, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये हो गया कि किसी भी कमोडिटी को अगर आप कंटिन्यूसली कंजम्पशन करोगे उसी टाइम पर, अगर आप पहले आइसक्रीम खाएंगे तो आपका एक परम सुख मिलेगा, आपको बहुत उससे आनंद आएगा, बहुत आप उसे लुत्फ उठाएंगे, लेकिन उसी समय जब आप दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे तो उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, बट पहले कंपेयर करोगे तो पहले से कम दूसरे से मिलेगा, तीसरी से उससे भी कम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, चौथी से उससे भी कम मिलेगा, और एक टाइम पर आकर के आपको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा और आप हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे बस अब मुझे और नहीं खानी आइसक्रीम, अगर उसी टाइम पर अगर आपसे कंटिन्यूसली कंजम्पशन करवाया जाए तो चाहे मैं एक आइसक्रीम की बात करूं, चाहे आपके फेवरेट में कोई कुछ और चीज आपके ध्यान में आ रहा है, कोई चॉकलेट आ रहा है, आप कंटिन्यूसली कंजम्पशन करके देखिए, या फिर आप एक चपाती के बाद दूसरी चपाती का कंजम्पशन कीजिए, दूसरी का तीसरी करिए, हर नेक्स्ट यूनिट से जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पिछले के कंपेरेटिवली कम होगा, इसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब आप देखिएगा, कंज्यूमर के पास में दो चीजें हैं, एक तो कंज्यूमर का स्वभाव ऊपर वाले ने ही ऐसा बनाया है कि उसका जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ताकि वो एक समय पर रुके। अगर डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी नहीं होता तो खाने से कोई उठता क्या, बताओ जरा, कोई नहीं उठता, एक चीज जो करता उसमें वो करता हो ही जाता, करता ही रहता वो, लेकिन ऊपर वाले का जो है शुक्र है कि उन्होंने क्या बनाया है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि हमारा स्वभाव ऐसा बनाया है कि लगातार अगली इकाई से हमारा संतुष्टि का स्तर गिरता चला जाता है। क्यों? क्योंकि संतुष्टि का स्तर हमारी आवश्यकता पर निर्भर होता है, और हमारी कंजम्पशन के बाद हमारी आवश्यकता पहले से कम होती चली जाती है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से कम होता चला जाता है। ये तो है, एक बात तो हमारे अंदर ये पाया जाता है ह्यूमंस के अंदर। दूसरी बात, हम जब पे करेंगे तो हिसाब लगाएंगे, भैया उतना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कम से कम उससे ज्यादा मिल रहा है तो भी हम उसको लेंगे, 10 रुपए पे करा, 50 रुपए की चीज मुझे मिल रही है, मैं जरूर खरीदूंगा, बट कम से कम तो 10 रुपए का चीज तो मुझे मिलना ही चाहिए मेरे खरीदने के लिए। अगर 10 रुपए खर्च कर रहा हूं, 5 रुपए की चीज मिल रही है, 8 रुपए चीज मिल रही है, भैया मैं नहीं खरीदूंगा, वो लॉस है मेरे लिए, समझे। तो क्या होता है, आप एक मेरी बात समझिएगा, आप कैसे डिसाइड करते हैं, मेरे पहले बात समझिए, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे, मेरा सवाल यह है। तो आप कहोगे सर ये हमारी नीड्स पर डिपेंड करता है, मेरी नीड्स ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा यूनिट को लूंगा, मेरी नीड्स कम होगी तो मैं कम यूनिट को लूंगा। अच्छा जी, तो 20 रुपए प्लेट गोलगप्पे जब होते हैं तो आप एक प्लेट खा के निकल जाते हो, यहां तो नीड्स आपकी बहुत कम है, लेकिन जब शादी में ही वही गोलगप्पे फ्री मिल रहे होते हैं वहां तो आप 5-5 प्लेट चट कर जाते हो। क्या भाई ऐसा क्या हो गया वहां पर, और वहां पर आपकी नीड्स इतनी ज्यादा कैसे हो गई? तो ये बात तो कहना गलत है कि हमारी आवश्यकता पर निर्भर करेगा हम कितनी क्वांटिटी का कंजम्पशन करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी प्राइस कहीं ना कहीं मैटर कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप, क्लियर है। अब उसकी प्राइस किस तरीके से मैटर कर रही है,
अब सवाल मैं करता हूं इस चीज के ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा जनरली क्या होता है, मेरी पहले बात समझिएगा, अगर आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं पहले भी एग्जांपल ले चुका हूं फिर से ले रहा हूं कोई बात नहीं, आपको अगर बहुत तेज प्यास लग रही है, दूर दूर तक पानी नहीं है और आपके प्राण निकलने वाले हैं प्यास से, बिल्कुल मई जून का बिल्कुल ऐसा भयंकर महीना है, लू चल रहा है, उसमें आप फंसे हुए हो और आपको एक ठंडा पानी पिलाने वाला है, एक दिखा आपको, वहां जाते हो कहते भैया कितने रुपए ग्लास, वो कहता है 20 रुपए का एक ग्लास, आप उस समय उसको बाय करोगे, उस समय आप उसको लोगे, क्योंकि आपको जो 20 रुपए खर्च करोगे मजा आपको कहीं उससे ज्यादा आने वाला है। तो यहां पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है, पेमेंट आपको कम नजर आ रही है, तो देन आप उस एक ग्लास को कंज्यूम कर लोगे, ठीक है। अब आपसे वो पूछेंगे सर दूसरा ग्लास भी लगाऊं, आपको कहे नहीं मत लगाओ, क्यों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एक ग्लास में आपकी प्यास बुझ चुकी है, प्यास अभी भी है, लेकिन अब आप सेटिस्फाइड कुछ लेवल तक हो चुके हो, आपकी नीड्स फुलफिल हो चुकी है, अब आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना कि आपको पहले आता, लेकिन पेमेंट तो पहले जितनी करनी पड़ेगी आपको, तो अब आपको पहले क्या था कि पे ये कर रहे हो और आपको सेटिस्फेक्शन लेवल ये मिल रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल था, बट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अब नेक्स्ट मिनट से आपको ये मिलेगा, ये सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, लेकिन आपको पे तो यही करना पड़ेगा, तो अब आपको दिख रहा है मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल तो मिलेगा बट मेरे पेमेंट से कम मिलेगा, आप हाँ जोड़ के बोलोगे मैं घर जाके पी लूंगा, आप तो घर तक पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर आपने एक ग्लास वाटर ही कंज्यूम किया, लेकिन वही अगर 1 रुपए ग्लास पानी होता तो मेरा मानना है कि 3-4 ग्लास पी लेते, क्यों, क्योंकि पेमेंट इतनी जा रही है, सेटिस्फेक्शन लेवल इतना मिला, नेक्स्ट टाइम भी सेटिस्फेक्शन लेवल फॉल जरूर होगा, यहां भी होगा, यहां क्यों नहीं होगा, बट पेमेंट इतनी है, बट पेमेंट से तो ज्यादा ही है ना, तो इसलिए आप उसको कंज्यूम करोगे, थर्ड टाइम भी पेमेंट से ज्यादा ही है ना तो कंज्यूम करोगे। तो क्या होता है जब हाई प्राइस होता है ना तो सेटिस्फेक्शन लेवल को भी आपको हाई तक रखना पड़ता है, और कम यूनिट के कंजम्पशन से ही सेटिस्फेक्शन लेवल आपका हाई रहता है, और जब प्राइस आपका लो होता है ना तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस लो प्राइस पर आपके पास में सेटिस्फेक्शन लेवल अगर आपका ज्यादा लो भी चला जाता है तो आपके लिए लॉस नहीं है, तो लो प्राइस पर आप ज्यादा कमोडिटी ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल फॉल भी होता जा रहा है पर आपके लो प्राइस से तो अबव है तो उस केस में भी आपके लिए बेनिफिट होगा, इसलिए कंज्यूमर हाई प्राइस पर कम बाय करता है और लो प्राइस पर ज्यादा बाय करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रविराज कहते हैं इन केस ऑफ अल्कोहल में जितना पीते हैं उतना सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है। देखिएगा इसमें एक अजम्पशन भी है कि कंज्यूमर हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, रैशनल मतलब कि उसके पास सोचने की बुद्धि होनी चाहिए, जब आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो उस केस में आप बुद्धिहीन हो जाएंगे, समझे, क्लियर है, और रैशनल ये अजम्पशन ही है कि रैशनल कंज्यूमर के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है, तो जी आपके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होगा। रविराज शर्मा जी क्लियर है, तो हां जी, तो यहां पर आपके पास में क्या है ये कि जब प्राइस ज्यादा होगी तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, वो आप कम यूनिट पर ही ज्यादा मेंटेन कर सकते हो, इसलिए आप कम यूनिट का कंजम्पशन करोगे, जब प्राइस आपकी लो होगी तो सेटिस्फेक्शन लो अगर आपका हो भी जाए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, इसलिए यहां पर आप ज्यादा यूनिट का भी कंजम्पशन कर लेंगे तब भी आपके लिए कोई लॉस नहीं है, तो यहां पर आप ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी मार्जिन यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये आपका मार्जिन यूटिलिटी के बारे में बता रहा है। फॉर एन एग्जांपल, हंग्री मैन गेट्स मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट चपाती एंड लेसर यूटिलिटी फ्रॉम द सेकंड चपाती, इफ ही गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर, अगर भैया उसको ज्यादा मिलेगा ज्यादा पे करेगा, If he gets less utility, he will buy at a lower price. अगर कम मजा आ रहा है तो कम price पर खरीदना चाहेगा वो. Since units given in the lesser utility, he will buy additional unit only at lower price. अगर उसको कम satisfaction पर मिल रहा है तो कम कीमत पर ही खरीदना पसंद करेगा. उसके लिए ज्यादा कीमत क्यों देगा वो? तो लेकिन कम कीमत पर satisfaction level कम भी होती है तो वो खरीद सकता है उसको. समझे या नहीं समझे? Clear है? कोई doubt? तो सबसे पहले लो ऑफ डिमांड क्यों एप्लीकेबल होता है, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी एप्लीकेबल होता है, और एक दूसरा क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब आप कहेंगे सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, जरा समझिएगा आप, मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, प्राइस है किसी कॉमोडिटी के 20 रुपीज पर केजी, ठीक है, एप्पल है, ठीक है जी, और आपने प्लान कर रखा है एप्पल और आप दो फ्रूट लेंगे तो आप मैंगो भी लेंगे, और मैंगो का जो प्राइस है वो भी इसके अपनी एक प्राइस है मार्केट में जो भी है इसका 30 रुपए इसकी प्राइस है पर केजी, ठीक है। आपने सोचा कि 50 रुपए आपकी इनकम है, इसको हम बोलेंगे मनी इनकम। आपको समझ में आया पहले क्यों आपको पढ़ाया गया है, पहले यूटिलिटी क्यों पढ़ाया गया है, सब क्यों पढ़ाया गया, ताकि आप चीजों को आगे जल्दी से कैच करोगे, समझे। डिमांड इसलिए पहले नहीं पढ़ाया आपको ये कि आपके पास में मनी इनकम है। आपने प्लान करा कि भैया 1 kg ये लेंगे 1 kg ये लेंगे, लेकिन आप मान लीजिए प्राइस सस्ता हो जाए, प्राइस फॉल हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो दो इफेक्ट पड़ेगा इस पर, अगर आपके पास प्राइस इसकी फॉल हो जाए, मान लो प्राइस आपके पास में क्या हो जाए 10 रुपए हो जाए, 10 रुपीज प्राइस क्या हो जाए 10 रुपए पर केजी हो जाए, तो बताइए पहले इस पे कितना खर्च कर रहे थे आप। इस पे पहले आप 20 रुपए खर्च कर रहे थे ना अपनी इनकम का, और यहां पे कितना खर्च कर रहे थे आप 30 रुपए खर्च कर रहे थे। तो अब आपका प्राइस 10 रुपए हो गया, तो अब आप उसी 20 रुपए में कितना खरीद सकते हो, एक तो आप 1 किलो तो वैसे ही खरीद सकते हैं 1 kg, 10 रुपए आप ले सकते हैं, प्लस 10 रुपए बच जाएगा, तो प्लस जो आपका 10 रुपए बचा, 10 रुपए बचा, ये 10 रुपए की वजह से भी आप क्या कर पाओगे इसको 1 किलो आप और ले पाओगे, क्लियर है। इसको हम बोलेंगे इनकम इफेक्ट। इनकम मतलब परचेसिंग पावर बढ़ गई ना 10 रुपए की, इसको हम बोलेंगे इनकम इफेक्ट की वजह से, परचेसिंग पावर की वजह से आप इसको 1 किलो ज्यादा ला पा रहे हो। लेकिन आप देखोगे इतना सस्ता 10 रुपए किलो, वहां 30 रुपए का हम क्या करेंगे भैया। जनरली क्या होता है जब कोई मार्केट में सेल्स नजर आ जाए ना, कुछ सस्ते नजर आ जाए, भले हम कुछ और लेने जा रहे हो, देखते हैं ये सस्ता, अरे यहाँ तो रूट मच रही है, उसको छोड़ करके वही पैसा हम यहाँ लगा कर ये ले आते हैं। तो क्या अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझे नहीं समझे, अब आप क्या करोगे इस पैसे को भी यहाँ पर आप सोचोगे चलो यार यहाँ पर है ना एक काम करते हैं 30 रुपए किलो है, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटी कम लेते हैं 10 रुपए यहाँ से हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, सामान थोड़ा और आ जाएगा, समझे नहीं समझे आप। तो ये आपके पास में 10 रुपए शिफ्ट करोगे तो आपके पास में 1 kg क्वांटिटी आप यहाँ पर और ला पाओगे, तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मेरी बात समझे नहीं समझे, तो जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा करने के पीछे रीजन क्या होता है, तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई इस वजह से, और दूसरा आप सब्स्टिट्यूट हो गए इसकी तरफ, तो दोनों की वजह से आप इसकी डिमांड ज्यादा कर पा रहे हो। तो यही है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड कहता यही है कि प्राइस कम होती है डिमांड ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से होती है, समझे। और एडिशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है जरा समझिए आप। मान लो मिठाई काजू कतली सस्ती हो जाए 400 रुपए किलो, तो वो लोग जो पहले काजू कतली बर्फी मिठाई को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, प्राइस कम होने की वजह से अब क्या होंगे, कंज्यूमर एडिशनल हो जाएंगे, नए कंज्यूमर उसकी तरफ ऐड हो जाएंगे, अब वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो प्राइस कम होने से एडिशनल कंज्यूमर भी आ जाते हैं। तो ये सारे रीजन क्या है, ये सारे रीजन किस चीज के हैं, आपके लॉ ऑफ डिमांड के पीछे ये रीजन हैं, क्लियर है जी, समझ गए। तो आज की कक्षा में हमने ये पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का जो है कहानी को वो बढ़ाएंगे, इसके आगे कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। मिलते हैं हम अगली कक्षा में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज डिमांड चैप्टर की क्लास नंबर 2 है। तो आइए, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन इन डिमांड, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझते हैं। देखिएगा, हमें कोई भी कमोडिटी है, अगर मैं उसकी डिमांड की बात करता हूँ, तो डिमांड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। कोई भी चीज़ आप उठा के देख लीजिए, उसकी डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है। मेरा कहने का मतलब है, डिमांड कभी इंक्रीज भी होती है और डिमांड कभी डिक्रीज भी होती है। अब कमोडिटी की डिमांड तो ऑलवेज वो तो फ्लेक्सिबल नेचर का रहता है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर तो ऐसे होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सवाल यह है कि किन वजहों से ऐसा होता है। तो सबसे पहले
जो सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर है प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। अब आप सोच रहे हैं सर ये प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या है, तो डियर प्राइस ऑफ गिवन गुड्स का मतलब ये है कि जैसे ये एक कोई आर्टिकल है और इसकी डिमांड में मैं चेंज की बात करूं, तो अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, इसकी खुद की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी डिमांड डिक्रीज होगी, कम खरीदेंगे लोग इसको, और जब इसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, रीज़न बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो फैक्टर है डिमांड में चेंजेस होने के पीछे, वो है प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। दूसरा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी कम्युनिटी की डिमांड में चेंज आएगा तो वो उसके प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर इसके प्राइस में चेंज आएगा तभी इसके डिमांड में चेंज आएगा, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कई बार देखने को मिलता है कि प्राइस का कोई रोल ही नहीं है, प्राइस जो पहले था आज भी वही है, प्राइस कॉन्स्टेंट है, उसके बाद भी इसकी डिमांड बढ़ गई है या फिर इसकी डिमांड कम हो गई है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन कोई जो भी फैक्टर इसके पीछे, कोई ना कोई कारण तो यहाँ भी रहता ही है, बट यहाँ पर उसका खुद का प्राइस का रोल नहीं है, ये बात तो क्लियर है। तो जब किसी कमोडिटी की डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है और उसमें उसके प्राइस का खुद का कोई रोल नहीं है, किसी अदर फैक्टर का रोल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर, उसको हम बोलते हैं अदर फैक्टर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कमोडिटी की प्राइस का रोल रहता है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये कि जो कमोडिटी की डिमांड में चेंज आया इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल प्राइस ऑफ गिवन गुड्स है या फिर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ये बात हमें पता कैसे लगेगी कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है इसके पीछे जो है वो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स है या अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये सवाल है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बहुत अहम अहम बात बता रहा हूँ आपको, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि थ्योरी है तो आप सीधा इसको लर्न करते चले जाएंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। देखिएगा कभी भी ये वर्ड आपको मिल जाए एक्सपेंशन, कभी भी आपको वर्ड देखने को मिल जाए क्या एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, क्वांटिटी, ठीक है ना, मूवमेंट, कभी भी आपको ये वर्ड देखने को मिल जाते हैं। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, चीजों का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कम होना, क्वांटिटी मीन्स तो आपको पता है मात्रा, और मूवमेंट का भी मतलब आपको पता है। तो डियर कभी भी आपके क्वेश्चन में इन चार में से कोई भी एक शब्द अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आप ये समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये है प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है, ड्यू टू, ये किन वजह से होता है, ड्यू टू प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। मेरा कहने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु की जो मांग है वो हमेशा स्थिर नहीं रहती है, उस पर परिवर्तन आते रहते हैं। तो परिवर्तन आ रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई कारक तो होगा। तो मेनली इसके दो कारण होते हैं, एक तो वस्तु की खुद की कीमत की वजह से इसकी मांग प्रभावित होती है, लेकिन कई बार कीमत का इसमें जो है रोल नहीं रहता है, कीमत कई बार स्थिर रहती है, और कोई और कारण होते हैं जिसकी वजह से मांग में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो जो कोई और कारण है उसको हम क्या बोलते हैं, अन्यवाद बोलते हैं। उसको हिंदी में क्या लिखा रहेगा आपका, वो हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा अन्यवाद, उसको ये रहेगा आपका अन्यवाद। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी ये आपको चार शब्द देखने को मिल जाए, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, एक्सपेंशन को हिंदी में क्या कहेंगे आप, एक्सपेंशन को हिंदी में कहेंगे विस्तार, कभी भी विस्तार देखने को मिल जाए, और कॉन्ट्रेक्शन मतलब होता है संकुचन, ठीक है, क्वांटिटी आप जानते हैं मात्रा, और मूवमेंट मतलब होता है संचलन या चलन। आपको अगर ये चार शब्द कभी भी दिख जाते हैं तो समझ जाइए जो मांग में परिवर्तन आ रहा है या जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल प्राइस ऑफ गिवन गुड्स है, क्लियर है, समझ में आया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एट अ टाइम, एक टाइम पर डिमांड में चेंज अगर आ रहा है तो कोई एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कोई एक ही कारण हो सकते हैं, या तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, एक टाइम पर कोई एक ही रिस्पॉन्सिबल होगा।
और ये भी ध्यान रखना, अगर प्राइस ऑफ गिवन गुड्स रिस्पॉन्सिबल है तो आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट है, या फिर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डिमांड में चेंज आने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या है, वो कॉन्स्टेंट है। तो बताना पड़ेगा कि भैया रिस्पॉन्सिबल कौन है और कॉन्स्टेंट कौन है, ये बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और यार पता कैसे चलेगी हमें, ये चार शब्द मैंने लिखवा दिए, एक अहम शब्द लिखवा दिए मैंने आपको, ये चार शब्द कभी भी दिख जाते हैं तो वस्तु की खुद की कीमत के कारण मांग में परिवर्तन आ रहा होता है, जो है प्राइस ऑफ गिवन गुड्स की वजह से ये डिमांड में चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्लियर है जी? एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ अहम बातें हैं, आप अगर इसको शुरू में ही समझ लेंगे तो आगे आपके लिए बहुत आसान थ्योरी होने वाली है। जब प्राइस ऑफ गिवन गुड्स रिस्पॉन्सिबल होता है तो ध्यान रखना, तो इस पे क्या होता है, इस पे इस केस में मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व होता है, इस पे मूवमेंट होता है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इस पे अगर कभी भी प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो कर्व पर मूवमेंट होता है। अगर प्राइस के अलावा प्राइस कांस्टेंट और अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो इस पर आप समझ जाइएगा कि फिर यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कर्व की शिफ्टिंग होती है, ठीक है ना? इसमें क्या देखने को मिलता है, कर्व की शिफ्टिंग होती है, वो राइट वर्ड भी हो सकता है, शिफ्टिंग जो है वो राइट वर्ड भी देखने को मिल सकता है और शिफ्टिंग जो है वो लेफ्ट वर्ड भी देखने को मिल सकता है। राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है, डिमांड जब आपका बढ़ता है तो मतलब आपका जो कर्व है राइट वर्ड शिफ्ट होता है, और जब डिमांड कम होता है तो उस केस में डिमांड कर्व आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था कि जब प्राइस ऑफ गिवन गुड्स रिस्पॉन्सिबल होता है तो वहाँ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है। ये क्या होता है अभी मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लेके बताऊंगा, बट अभी कुछ मोटी मोटी बातें समझ लीजिएगा। और जब अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो कर्व की शिफ्टिंग होती है, राइट वर्ड शिफ्ट जब होता है जब डिमांड बढ़ रहा हो, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जब होता है जब डिमांड कम हो रहा हो। क्लियर है? तो आइए मैं अपना कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, जरा आप सामने देखेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मीनिंग पूछ रहा है। तो देखिए जरा, मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए आप, यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड में, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ये सवाल है। मुझे पहले ये क्लियर कर दीजिए, मैं एक डायग्राम से क्लियर करता हूं, डायग्राम समझ गए तो थ्योरी आप ऑटोमेटिक लिख देंगे इसकी। एक डायग्राम बनाते हैं डिमांड कर्व का और उसमें हम दिखाते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है। ओरिजिन है, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस ऑलवेज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा और आपका x एक्सिस जो है क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एक नॉर्मल डिमांड कर्व बना रहे हैं, ये आपका d एक डिमांड कर्व है और कोई एक प्राइस ले लेते हैं, और एक प्राइस है, इस प्राइस का लेवल हो गया OP और डिमांड कर्व को टच करते नीचे आ जाइए तो यहाँ पर नीचे क्वांटिटी का लेवल हो गया OQ। तो हमारे पास पे प्राइस क्या रखा हुआ अभी तक हमने, OP और डिमांड क्या हमारा OQ। अब सवाल है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना या घटाना, बताइए ज़रा। एक्सपेंशन करना है मतलब डिमांड को बढ़ाना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर डिमांड में जो चेंज आ रहा है रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स रिस्पॉन्सिबल है या अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो यहां पर क्लियर है जी, यहां पर बताइए जरा, यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो आप खुद सोचिए और दिमाग लगाइए, प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, प्राइस में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाए किसी कॉमोडिटी की, एक कॉमोडिटी है इसकी डिमांड बढ़ जाए, इसके प्राइस में ऐसा क्या चेंज आया होगा, प्राइस
कम हुई होगी। तो प्राइस यहाँ पर इसकी क्या हुई है, प्राइस कम हुई है। तो जब प्राइस यहाँ पर कम हुई है तो ये आप देख रहे हैं कि प्राइस ओपी से कम करके दिखाओ, ओपी वन, और डिमांड आप देख रहे हो बढ़ गई आपके ओक्यू वन। क्लियर है जी? इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। क्लियर है? तो आप समझ में आया एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है? एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता है कि अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट होता है, प्राइस जो है कमोडिटी की उसकी खुद की प्राइस डिक्रीज होने की वजह से जो वो डिमांड इंक्रीज होती है उसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। और इस केस में पहले आप कहाँ पर थे, ओरिजिनल प्लेस पे, पहले आप ए पॉइंट पर थे, है ना? अब आप कहाँ पर आ गए, अब आप बी पॉइंट पर आ गए हो। तो कर्व पर आप ऊपर गए हो, नीचे आ गए? तो कर्व पर आप नीचे आ गए हो, इसको कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्लियर है? तो डिमांड कर्व पर मूवमेंट होता है, और बात मैंने पहले ही कह दिया था कि जब भी प्राइस रिस्पॉन्सिबल होता है तो वहाँ कर्व की शिफ्टिंग हो ही नहीं सकती है, वहाँ मूवमेंट होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, भी सेम क्वेश्चन का नाम हो सकता है। क्लियर है जी? क्लियर है? और एक बात बताइए जरा मुझे, इसको मैं एक बात और कह सकता हूँ क्या, एक चीज और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ जी, अगर मैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप मेरी बात समझिएगा, इसमें डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है डिमांड इंक्रीज होने के लिए, रिस्पॉन्सिबल कौन है? देख रहे हैं एक वर्ड क्या आ गया, क्वांटिटी। तो बताइए जरा रिस्पॉन्सिबल कौन है फिर यहां पर, बताइए जरा यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल है प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, क्योंकि मैंने बता दिया जब भी क्वांटिटी होता है तो रिस्पॉन्सिबल प्राइस ऑफ गिवन गुड्स होता है। तो यहां पर भी आप बताइए डिमांड को बढ़ाना है और प्राइस रिस्पॉन्सिबल प्राइस कम करना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन क्या हो गए, तीन तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी एक ही बात है, अलग बात नहीं है, और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी एक ही बात होती है। क्लियर है जी? इसलिए आपके सामने क्वेश्चन कैसा आया था, कुछ इस तरीके का आया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर है? तो या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या एक्सप्लेन द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, क्लियर है? डिमांड बढ़नी चाहिए, एक्सपेंशन डिमांड का होता है डिमांड बढ़ रहा है ड्यू टू इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्या फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। क्लियर है जी? इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इट इज ऑल्सो नोन द एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये कुछ बातें समझ में आ गई आपको? क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको एक वही डायग्राम बना दिया है और एक टेबल मैंने लेके बता दिया यहाँ पर कि प्राइस जो पहले 20 रुपये था आपका, अब वो प्राइस क्या हो गया आपका 15 रुपये हो गया। तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा होगा यहाँ पर। क्लियर है जी? इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है, जरा इसको समझ लीजिएगा। आप डायग्राम बनाएंगे, चलिए आप ट्राई कीजिए डायग्राम बनाने का पहले। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, देखिए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब आपके पास है, डायग्राम से पहले समझते हैं इसको। ये हमारे पास पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और एक नॉर्मल डिमांड कर्व बना लीजिए आप, और एक प्राइस का कोई भी लेवल ले लीजिए, और डिमांड कर्व को टच करते ही वो नीचे आ जाएगा, और जो एक्स एक्स को टच करेगा वो क्वांटिटी का लेवल बता देगा। तो यहाँ पर ओ पी, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल प्लेस पर आपके प्राइस ओ पी है, तो वहाँ डिमांड क्या कर रहे हैं आप, ओ क्यू कर रहे हैं। ये ज़रूर लिखें पेपर में कि ये प्राइस है और ये क्या है आपका, ये आपका क्वांटिटी है। क्लियर है जी? मेरी बात समझे? और आप यहाँ पर एक पॉइंट पर हैं, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बढ़ना या घटना, डिमांड का बढ़ना या घटना। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वीडियो, ये कंटेंट अपलोड होना चाहिए, मैं डेली सेव कर देता हूँ इसको और वो अपलोड होना चाहिए। काजल, जो कि आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर भी है,
ठीक है, क्लास के फौरन बाद ही आप उनको जो है मैसेज डाल दीजिएगा और ये अपलोड हो जाएगी, मैं भी उनको कह दूंगा एक बार, ठीक है। और चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर, अब बताइए जरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिमांड आपका जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये बताएं आप मुझे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कम होना। अब बताइए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डिमांड को तो आपको क्या करना है, कम करना है, बट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स या अदर फैक्टर। यहाँ पर प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, क्योंकि मैंने बात लिखवा दी है पहले ही, तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। अब सोचिए प्राइस में ऐसा क्या चेंज आएगा जिससे डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, तो प्राइस बढ़ता है तभी तो डिमांड कम होता है, तो ये ओपी प्राइस बढ़ा के लिख दो और ये आपके पास में डिमांड हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मूवमेंट कहाँ हुआ आप बताइए, अपवर्ड मूवमेंट हुआ। तो बच्चा कई बार गलत सोचता है कि डिमांड एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, तो अपवर्ड मूवमेंट, ये गलत हो गया। एक्सपेंशन में डिमांड कर पे क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और कॉन्ट्रेक्शन मतलब डिमांड कम होने में अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्लियर है जी, तो समझ में आ गया। तो इसको भी आप लिख सकते हो क्या, कमोडिटी की खुद की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड कम होता है उसे कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड कहते हैं, इस पर डिमांड कर पर अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्लियर है जी, समझ में। और इसको एक बात मैं और लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको एक बात और लिख सकते हैं हम क्या, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी वर्ड आ गया ना, तो जो डिक्रीज होगा डिमांड वो किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से, तो प्राइस जब इंक्रीज होगा तभी होगा। तो ये एक ही बात है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। अब एक बात आप और ध्यान से सुन लो, यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो गए, ये है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है डिक्रीज इन डिमांड, दोनों अलग अलग है, ठीक है जी। डिक्रीज इन डिमांड दोनों अलग अलग है, कैसे अलग अलग है आप बताओ। यहाँ पर क्वांटिटी वर्ड आने की वजह से जो डिमांड कम हो रहा है उसमें प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके अंदर नहीं तो क्वांटिटी है, ना ही एक्सपेंशन है, ना कॉन्ट्रेक्शन है, ना मूवमेंट है। तो यहाँ पर जो डिमांड कम होगा इस पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर। तो वहाँ पर आपका कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कम हो रहा है। तो ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को, मैं आगे इस चीज़ को रिपीट भी करूँगा, आगे मेरा सवाल भी है डिक्रीज इन डिमांड के ऊपर, तो आगे और देख लेना। फिलहाल अभी मैंने हल्का सा आपको अवेयर करा है यहाँ पर, मेरी बात समझ गए जी, क्लियर है। अब एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब जरा देखेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मूवमेंट वर्ड आ गया है। आप जरा सोचो और बताओ ये मूवमेंट जो होगा ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ये अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है या प्राइस रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यहाँ रिस्पॉन्सिबल प्राइस होता है, ठीक है। ये बात मैं लिखवा चुका ना ऑलरेडी, तो ये हमारे पास में डी डी डिमांड कर्व है और यहाँ पर प्राइस है। अब मूवमेंट की बात कर रहा है तो मूवमेंट तो दोनों ही हो सकता है, मूवमेंट तो ऊपर जा रहा है वो भी मूवमेंट है, नीचे आ रहा है वो भी मूवमेंट है। मूवमेंट की बात करें तो कुछ भी मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट में आप किसको कंसिडर करेंगे, ऊपर वाले मूवमेंट को कंसिडर करेंगे या जो नीचे मूवमेंट होगा डिमांड कर पे उसको कंसिडर करोगे, पे दोनों कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो आप एक बात तो क्लियर है आपको, मूवमेंट है तो मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्राइस, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बताएं जरा मूवमेंट आपको दोनों दिखाना है, तो एक तो आप ये भी करके दिखा दो, आप अपवर्ड मूवमेंट भी दिखा दो इसको, और एक आप जो है इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट करके भी आप इसमें दिखा दीजिए, ठीक है जी, क्योंकि प्राइस की वजह से होता है, क्लियर है। इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिए। क्लियर है, चलिए जी। अब जरा आप यहां देखें, ये हो गया हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या है। इस सवाल का मतलब यह है, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो किसी कम्युनिटी की जो डिमांड है वो हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, वो डिमांड कभी बढ़ भी जाती है और वो डिमांड कभी घट भी जाती है। तो जो डिमांड में चेंजेस आते हैं, इस चेंजेस के पीछे जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उन सभी फैक्टर को, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन सबको हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं। तो सवाल का आंसर ये देना है आपको कि किन किन वजहों से डिमांड में चेंज आता है, वो वजहें बतानी है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहली वजह ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे,
प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, इसके बारे में आप समझ चुके हो कि कमोडिटी जो डिमांड में चेंज आता है इस पर रिस्पॉन्सिबल एक उसकी खुद का प्राइस होता है। जब प्राइस उसका इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज होता है। इसको हम ऑलरेडी लो ऑफ डिमांड में भी पढ़ चुके हैं, थ्योरी में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वही बात भी कह रहा है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। जनरली द एग्जिस्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इट मीन्स एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू अ डिक्रीज इन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी सेज टी इंक्रीजेस डिमांड विल फॉल एज सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द टी विल फॉल ड्यू टू द राइज इन द प्राइस। क्लियर है, ये वही लॉ ऑफ डिमांड का है। और कौन से फैक्टर है? अब प्राइस को छोड़ करके बाकी जो भी फैक्टर आप पढ़ोगे उन सबको किस कैटेगरी में डाला गया है? वो अदर फैक्टर होते हैं। तो दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है? डिटरमिनेंस ऑफ डिमांड कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर होते हैं ना, दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? दो फैक्टर होते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बेसिकली देखा जाए तो, और वो दो फैक्टर आपके होते हैं, एक तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और एक होता है अदर फैक्टर। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ लिया यहां पर? प्राइस ऑफ गिवन गुड्स पढ़ लिया। अब आप जो भी पढ़ोगे वो सब अदर फैक्टर होगा, ठीक है? हाँ जी, तो कमोडिटी की डिमांड एक तो उसकी प्राइस कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, कई बार प्राइस उसका कांस्टेंट होगा और उसके बाद भी उसकी डिमांड में चेंज आएगा। अब वो कोई भी डिमांड में चेंज कर रहा, उन सब को हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे। किस कैटेगरी में? अदर फैक्टर में रखेंगे। अदर फैक्टर में सबसे पहले क्या आता है? अदर फैक्टर में प्राइस, अदर फैक्टर में आपका आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बात करूँ मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की, तो रिलेटेड गुड्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, एक मेरे पास में है पेन। इस पेन के रिलेटेड गुड्स दो तरीके के गुड्स होंगे जो इसके रिलेशन में होंगे, जो इसके रिश्तेदार होंगे, जो इसके रिलेटेड होंगे, वो दो होंगे। एक होगा इस जैसा दूसरा कोई पेन, वो इसका रिलेटेड गुड्स हो गया। उसको फॉर एग्जांपल आप बॉल पेन से इस समय नोट डाउन कर रहे हैं, और आप उसके जैसा कोई दूसरी कंपनी का पेन या फिर जेल पेन की मैं बात कर देता हूँ, तो जेल पेन आपके पेन जो बॉल पेन है उसका रिलेटेड गुड्स हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है? क्लियर है? और एक क्या होता है कि ये अगर मैं बात कर रहा हूँ पेन, और तो पेन ये जो है जिसके बिना ये यूजलेस हो जाएगा, मतलब इंक, तो इंक क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। तो जनरली आप कोई भी गुड्स देखें तो एक तो उसके जगह पर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, और एक जिसके बिना वो गुड्स आपका काम ना करे उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। सिंपल सी बात ये हो गई, ठीक है? क्लियर है? एक गाड़ी, एक कार का एग्जांपल आप ले ले, तो एक दूसरी कंपनी का कार सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया उसका, और उसके अंदर जिससे भी वो चलता है वो पेट्रोल का है, तो पेट्रोल चलता है तो पेट्रोल उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। क्लियर है? सुई धागा की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो सुई धागा में एक दूसरा आप कुछ भी चीज़ें हैं वो उसका सब्स्टिट्यूट हो गया, एक जो है धागा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो बेसिकली हर गुड्स में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक उस जैसा कोई दूसरा उसकी जगह पर जिसको आप यूज़ में ला सकते हो सब्स्टिट्यूट, और जिसके बिना वो गुड्स काम नहीं करता हो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहाँ पर आपसे ये कह रहा है रिलेटेड गुड्स में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? कि एक गुड्स अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है या फिर आप इसको यूज़ में नहीं ला रहे हैं और इसी का काम करने के लिए आप किसी और से उसका काम करवा लेते हैं, तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। मेरी बात समझे? फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, जनरली आप चाय पीते हैं मान लीजिए, क्लियर है? टी के कंज्यूमर एग्जाम्पल के लिए आप रोज़ सुबह उठते हैं और अपना जो है वो चाय पीते हैं, तो डेली बेसिस पे जो आपके रूटीन में है वो आपका ओरिजिनल गुड्स होता है। बट कभी कभी कहीं गए और वहाँ पर आपको चाय नहीं मिला, वहाँ पर कॉफ़ी आपको मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, अपने आपने वही अपना जो काम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आपने क्या करा, उस काम को कॉफ़ी से किया, तो वहाँ पर आपने कभी कभी आपने कॉफ़ी को भी आपने पी लिया, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि चाय को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कॉफ़ी से। तो यहाँ पर आपका टी जो है वो ओरिजिनल गुड्स है, क्योंकि आप इसके डेली कंज्यूमर हैं और कभी कभी आप कॉफ़ी से सब्स्टिट्यूट भी कर लेते हैं, तो कॉफ़ी आपके लिए या टी के लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अदर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड कॉफ़ी।
तो कुछ एग्जांपल है सब्सटीट्यूट के, टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, पेन एंड पेंसिल, सीडी एंड डीवीडी, इंक पेन एंड बॉल पेन, ठीक है। अब सवाल यह है कि सब्सटीट्यूट गुड्स किस तरीके से किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करेगा, ठीक है जी, समझे। पहले ये बात आपको क्लियर हुई, देखिए अब मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए दो गुड्स मैंने बताया आपको, एक मैंने बताया आपका ओरिजिनल गुड्स, ठीक है। एग्जांपल में किसको ले रहा है ओरिजिनल, हम वही कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक ओरिजिनल गुड्स मैं किसको ले रहा हूं, टी, और एक मैं ले रहा हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैं क्या ले रहा हूं, कॉफी में सब्स्टिट्यूट गुड्स ले रहा हूं, ठीक है। और टी का जो अपना प्राइस क्या है, टी का प्राइस जो भी है मान लो ₹5 है, टी की जो प्राइस है वो क्या है ₹5। आज मैं डिमांड चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कंप्लीट कर दूंगा। अब थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस चलेंगी, क्लियर है, और सिलेबस को ये डिमांड सप्लाई और एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तभी समझ में आ पाएगा जब आपको डिमांड एंड सप्लाई पता है, और ये छोटी छोटी बातें आपको आगे और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी क्योंकि बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ मैं, और आगे चल करके जब एप्लीकेशन डिमांड सप्लाई हो जाएगा तो फिर हमारे सिलेबस का बर्डन काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कि बस हमारे पास में फिर कोस्ट, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यही सब छोटे मोटे चैप्टर रह जाएंगे। प्राइस आपके पास में ये है ₹5, और मान लो कि टी की अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल के लिए, तो 100 कप टी की डिमांड है, डिमांड की बात करता हूँ मैं, तो टी में क्या है 100 कप है, ठीक है जी, दोनों चीज़ अलग अलग। और यहाँ पर इसके भी अपनी एक प्राइस है, 8 रुपये, और इसकी भी अपनी एक डिमांड है, ठीक है। मैं ये भी बताऊँगा बच्चे गलती कहाँ करते हैं, डिमांड इसकी अपनी एक 80 कप है, क्लियर है। तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे किसी कमोडिटी की खुद की प्राइस कांस्टेंट रहने से उसमें कोई चेंज नहीं आने की वजह से भी इसकी डिमांड में चेंज आ सकता है अदर फैक्टर की वजह से, और अदर फैक्टर में ऐसा क्या होगा, मतलब कि रिलेटिव गुड्स, मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस की वजह से, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ओरिजिनल गुड्स के प्राइस में तो मैं कोई चेंज कर ही नहीं सकता, ये आप जानते हैं, क्योंकि मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं ना, क्योंकि अदर फैक्टर आपको बता रहा हूं, तो अदर फैक्टर में, तो जब मैं आपको अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो इसका खुद का प्राइस क्या होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, कमोडिटी की खुद की प्राइस में तो कोई चेंज मैं कर ही नहीं सकता, पहले भी ₹5 था और अभी भी क्या है, अभी भी ₹5 प्राइस होगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट की प्राइस को मैं बढ़ा देता हूं, सब्स्टिट्यूट की प्राइस को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, अब मैं इंक्रीज कर रहा हूं और मैं कॉफी की प्राइस जो है मान लो वो ₹10 कर देता हूं, ठीक है जी। अब कॉफ़ी की प्राइस मैंने ₹10 कर दिया तो क्या हुआ, इससे क्या होगा, जो लोग पहले कॉफ़ी पी रहे थे, अब वो तो खैर पहले ₹8 पी रहे थे, अब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफ़ी उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चाय सस्ती हो जाएगी, चाय जो है ना पहले भी ₹5 की थी और आज भी ₹5 की ही है। एक होता है सस्ती हो जाना, एक होता है रिलेटिवली चीप हो जाना, सस्ती हो जाना, कंपेरिजन में सस्ती हो जाना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मेरी बात समझे। एग्जाम्पल के लिए आपकी तनख्वाह जो है ₹50,000 है तो आप सेटिस्फाइड हैं, कहते ठीक है, बट आपके सामने वाले की, आपके फ्रेंड की तनख्वाह जो है ₹2,00,000 हो जाए तो कंपेटिवली अब आपको अपनी तनख्वाह कम लगेगी, क्लियर है ना। बट इसका मतलब ये नहीं आपकी सैलरी कम हो गई है, 50,000 से 10,000 हो गई है, मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो पहले प्राइस आपका ₹5 था, बट जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो अब कॉफ़ी के जो कंज्यूमर है उनके लिए टी रिलेटिवली चीपर हो जाएगी उनके लिए। मैंने ये नहीं बोला इसका प्राइस फॉल हो जाएगा, टी का प्राइस कांस्टेंट है, पर ₹10 से अगर ये देखेगा ना तो
तो ये रिलेटिवली क्या लगेगा, चीपर लगेगा। और इससे क्या होगा, इससे जो इसके जो कंज्यूमर हैं, किसके कंज्यूमर, कॉफ़ी के जो कंज्यूमर हैं वो क्या होंगे, कॉफ़ी के कंज्यूमर जो है वो क्या करेंगे, वो जो है टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? और टी की तरफ क्योंकि कंज्यूमर की आदत होती है सस्ती चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना, और टी की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से जो टी के नंबर टी की तरफ वो शिफ्ट हो जाएंगे, और टी के फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाएंगे, और फिर टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब टी की डिमांड कितनी हो गई, अब जो टी की डिमांड है वो 120 कप होगी। मैं ये नहीं कह रहा सारे उठ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट कुछ आ जाएंगे तो 120 कप हो जाएगी। अब आपने क्या देखा, बताइए जरा ओरिजिनल गुड्स की डिमांड बढ़ी या नहीं बढ़ी, बताओ डिमांड बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ी। प्राइस में कोई चेंज आया, प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कई बार कोई कमोडिटी होता है उसका खुद के प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है और फिर भी इसकी डिमांड में चेंज आता है, वो जो भी कारण है उसको अदर फैक्टर कहते हैं। अब अदर फैक्टर में ऐसा क्या होगा, अदर फैक्टर में रिलेटिव प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, अब रिलेटिव गुड्स में कौन से गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स। तो अगर सब्सटीट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो ओरिजिनल गुड्स कंपेटिवली चीपर हो जाएगी, तो सब्सटीट्यूट गुड्स से कंज्यूमर ओरिजिनल गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ओरिजिनल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ओरिजिनल गुड्स के नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे, ओरिजिनल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। बच्चा गलती कहाँ करता है, बात इसकी करते हैं, बच्चा ना भटक जाता है। एक बार बताओ आपको किसके प्राइस की बात करनी है, आपको हमेशा किसके प्राइस में चेंज की बात करनी है, आपको हमेशा जो है ना इसके प्राइस की बात करनी है, ठीक है? और किसकी डिमांड की बात करनी है आपको, आपको इसकी डिमांड की बात करनी है। बच्चा भटकता कहाँ है, भैया सब्सिट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो सब्सिट्यूट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, भटक गए? आपको तो ये बताना था ना कि मेरा ओरिजिनल गुड्स का डिमांड कैसे अफेक्ट होगा। तो लिखते वक्त में ध्यान रखिएगा, आप अगर प्राइस में चेंज कर रहे हैं तो किसके, सब्सिट्यूट, और डिमांड की बात करेंगे तो किसके। क्लियर है? तो अब आपको क्या समझ में आया, अब आपको ये समझ में आया कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड ऑफ इसी साइड में डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स और बात कर रहे हैं यहां पर हम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या समझ में आया यहां पर, ये बात क्लियर हुई कि अगर इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांड क्या होगी। बच्चा बोल देता है डिक्रीज होगी क्योंकि उसको लो ऑफ डिमांड छपा हुआ है दिमाग में, ठीक है? गलती हो जाती है, मैं प्राइस किसकी बात कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट की डिमांड में कर रहा हूं, ओरिजिनल गुड्स की, किसी और की प्राइस किसी और का डिमांड। क्लियर है? तो यहां पर आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सोचना मत, तो इसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि भैया कंज्यूमर अब ये लेंगे। क्लियर है ना? और इसी तरीके से अगर इसकी प्राइस डिक्रीज हुई, कॉफी हो जाए 2 रुपए, तो अब क्या होगा, अब कॉफी जो है रिलेटिवली चीपर होगी किसके लिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपेटिवली। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो कंज्यूमर हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ, जो ओरिजिनल गुड्स के कंज्यूमर हैं, और फिर वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर, सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ। तो ओरिजिनल गुड्स के नंबर ऑफ कंज्यूमर कम होंगे, डिमांड डिक्रीज होगी। तो अगर यहाँ प्राइस अगर सब्स्टिट्यूट का फॉल हो गया तो लोग उसको खरीदेंगे, तो इसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो देयर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स। क्लियर है? प्रतिस्थापन वस्तु, इसको सब्स्टिट्यूट को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु बोलते हैं, ठीक है? बस छोटे टर्म्स हैं, प्रतिस्थापन वस्तु, ठीक है? संबंधित वस्तु में ये आपका प्रतिस्थापन वस्तु आ जाता है, इसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आपको आ गई, बताइए जरा। क्लियर है जी, समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट,
वो वही बात है जो कह रहा है कि राइज। अब देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, पहले आइए मैं डिमांड इसका डायग्राम बनाता हूं, पहले इस केस का जरा समझिएगा। एक एक बात अगर आप यहां पे समझ गए ना तो मेरे लिए चीज़ें और आपके लिए चीज़ें, मैं मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा और आपके लिए समझना। मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका, बताइए डायग्राम में क्या बना रहा हूं, डायग्राम में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। डायग्राम में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस में चेंज नहीं होने के बाद भी डिमांड में कैसे चेंज आ जाता है ड्यू टू अदर फैक्टर। अब ऐसा क्या होगा अदर फैक्टर में जिसकी वजह से चेंज आ जाएगा, ये बात बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिमांड किसकी डिमांड कर रही है, डिमांड किसकी डिमांड की बात कर रहा हूँ मैं, ये डिमांड मैं ओरिजिनल गुड्स की बात कर रहा हूँ, इस बात को मैं बार बार लिख रहा हूँ। और प्राइस किसकी ले रहा हूँ मैं, प्राइस मैं ये बता रहा हूँ ओरिजिनल गुड्स की प्राइस की बात कर रहा हूँ कि ओरिजिनल गुड्स की प्राइस में चेंज ना आने के बाद भी उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। कैसे, आपको पता है अदर फैक्टर की वजह से, आपको पता है सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ने की वजह से, क्लियर है। तो यहाँ पर आप बताइए डिमांड क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा या नहीं होगा। आप क्यों राइटवर्ड शिफ्ट क्यों कर रहे हो बताओ जरा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, अदर फैक्टर है नहीं रिस्पॉन्सिबल। तो जब भी अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो वहाँ पर आप भी जानते हैं इस बात को कि डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है। और डिमांड अगर बढ़ रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और देखिएगा सेम प्राइस पर आप आपको ज़्यादा डिमांड दिखाना होगा। क्लियर है, सेम प्राइस पर आप देख पा रहे हैं, क्लियर है ना। तो कर्व क्या हुआ, कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और सेम डिमांड पर। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। मेरी बात समझे या नहीं समझे, डिमांड बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर रोल इसके खुद का प्राइस का है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई क्वांटिटी वर्ड नहीं है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन प्राइस नहीं है। तो इसको हम सिर्फ बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाता है ना, क्वांटिटी आने की वजह से फिर प्राइस रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर प्राइस कम करके डिमांड बढ़ाना पड़ता। ठीक है जी, तो समझ में आया आपको। चलिए अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किस बात की, अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ की, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सब्सिट्यूट जो गुड्स है, एक तो ओरिजिनल गुड्स है और एक सब्सिट्यूट गुड्स है, अगर इसकी प्राइस फॉल होगी तो डिमांड क्या होगा, फॉल। तो मैं ओरिजिनल गुड्स की जो है डायग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, समझ में आया आपको कुछ। ये आपका वाई, अब बताइए एक्स, डिमांड कर्व है, प्राइस है एंड डिमांड है। अब आप मुझे एक बार बता दें कि यहाँ पर क्या होने वाला है, अब बताइए सब्सिट्यूट की प्राइस डिक्रीज हुई है तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात तो कंफर्म है, ये बात तो मैं समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बताइए जो डिमांड डिक्रीज हो रही है ओरिजिनल गुड्स की, रिस्पॉन्सिबल कौन है, अदर फैक्टर। तो मूवमेंट या शिफ्टिंग, शिफ्टिंग होगी, तो ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको उसी प्राइस पर बताना होगा कि देखिए डिमांड आपका कम हो गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे आप, क्लियर है जी। तो ये मैं बता चुका हूं पॉइंट नंबर वन आपका कैसे इफेक्ट होता है। अब मैं बात करता हूं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो आपका हो गया ओरिजिनल गुड्स लाइक कार, और एक हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक पेट्रोल। वो गुड्स जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जिनको एक साथ ही यूज में लाया जाता है, पेयर में यूज होते हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप जनरली देखोगे, मैं किसकी डिमांड की बात करूँगा, हमेशा मैं ओरिजिनल गुड्स की डिमांड की बात करूँगा। किसकी डिमांड की बात करूँगा, ओरिजिनल गुड्स की। और किसकी प्राइस की बात करूँगा,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओरिजिनल गुड्स के डिमांड में चेंज आ रहा है, इसके प्राइस में चेंज आए बिना, क्योंकि अदर फैक्टर में तो यही समझाना पड़ेगा ना हमें, अदर फैक्टर बोलते ही उसको है कि प्राइस के अलावा कोई और चेंज कर रहा हो डिमांड में, तो मैं ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में चेंज करके बता रहा हूँ, और प्राइस किसके ले रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो अगर आपको सोचिए पेट्रोल अगर सस्ता हो जाए तो आप लोग जो कार नहीं अभी समय प्लान कर रहे कि यार कार ले लेंगे फिर कौन खर्चा पालेगा इसका, अभी ऑफिस आना जाना है तो चलो मेट्रो से ही कन्वीनियंट है और सस्ता है तो बढ़िया है, लेकिन जब वही पेट्रोल सस्ता हो जाए 20 रुपए 10-15 रुपए लीटर हो जाए, 30-40 रुपए लीटर हो जाए वो पेट्रोल, तो आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं फिर जो कार है लोग जिसका प्लान नहीं भी है वो भी कार को ले लेगा तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? तो इस केस पे अगर इसका डिमांड कर मैं बनाऊं तो वो कैसा बनाऊंगा, एक पहले मैं ओरिजिनल गुड्स का डिमांड कर बना लेता हूं, ये ओरिजिनल गुड्स पे फोकस कर रहे हैं हम, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है डिमांड कर्व है। अब बताइए आप जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब समझ रहे हैं ना, उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। ये बात तो पता है तो आपको मालूम डिमांड बढ़ेगा, समझे? और आपको पता है यहाँ पर जो डिमांड बढ़ रहा है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओरिजिनल गुड्स का खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल है या अदर फैक्टर, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना, तो ये मतलब डिमांड कर्व आप डिमांड इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, राइट वर्ड जाएगा ही नहीं जाएगा, राइट वर्ड तो डिमांड कर्व आपका राइट वर्ड चला जाएगा इस केस में, समझे या नहीं समझे? तो राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा डिपेंड करेगा डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, क्लियर है जी? तो ये क्यू से क्या हो गया, क्यू वन हो गया, सॉरी हाँ क्यू वन हो गया, क्लियर है जी? कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, ठीक है? राइट शिफ्ट होगा, क्लियर है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस बढ़ने से डिमांड इंक्रीज होता है। तो देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड फॉर ओरिजिनल गुड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरक वस्तु बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को क्या बोलते हैं, पूरक वस्तु, ठीक है? इसको हम बोलते हैं पूरक वस्तु, ठीक है? पूरक वस्तु की कीमत और मूल वस्तु की मांग के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मूल वस्तु की मांग कम हो जाती है, और पूरक वस्तु की कीमत कम होती है तो मूल वस्तु की मांग बढ़ती है, समझे या नहीं समझे, क्लियर है? और इस चीज को भी आप क्या बोल सकते हो, इसको भी आप बोल सकते हो इंक्रीज इन डिमांड, इसको भी आप क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी नहीं सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड। अब ऐसे ही अगर आप बताओ अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाए तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी, तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए क्योंकि अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसका खुद का प्राइस का कोई रोल नहीं है कार का, समझे या नहीं समझे, क्लियर है? तो ये उस तो चलिए एक तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉइंट नंबर थर्ड। अब हम बात किसी करेंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर आप इस बात को जरा समझिएगा। एक बात मुझे बताओ आप, मैं पहले यहाँ पर लेकर आता हूँ आपको, हाँ अब आप जरा मुझे देखेंगे ध्यान से, एक बार बताइए कि हमारी इनकम का क्या हमारे डिमांड पर प्रभाव पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपको बस यहाँ पर ही बता रहा हूँ कि एक कमोडिटी है उसकी डिमांड है, और एक बात मैं ये भी बता रहा हूँ कि उसका जो प्राइस है, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना? लेकिन मैं फिर भी आपके पास बता रहा हूं कि मेरे इनकम का एक मेरी इनकम होगी, ये प्राइस इनकम अलग चीज होता है, प्राइस अलग चीज होता है, मैं अपने गुड्स की प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी इनकम की बात कर रहा हूं। बताइए मेरी इनकम अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, बोलो, मेरी अगर आमदनी बढ़ जाएगी तो डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? आप कह रहे हैं सर डिमांड भी बढ़ जाएगी, गलत, बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों?
आप एक बार सोचिए, समझिए जरा कि आप की अगर इनकम बढ़ जाती है और आप एक लो क्वालिटी की गुड्स को आप ले रहे हैं, समझिए इन्फीरियर गुड्स जिसे कहते हैं हम, अगर आप एक इन्फीरियर गुड्स ले रहे हो और आपकी इनकम बढ़ जाए तो क्या आप इन्फीरियर गुड्स को और लेने लग जाओगे, उसको त्याग दोगे, छोड़ दोगे उसको लेना? तो यहाँ तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। डिमांड किसकी बढ़ेगी? जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ होती है। तो बेसिकली हमारे इनकम इंक्रीज होने से किसी की डिमांड बढ़ भी रही है नॉर्मल गुड्स की, और हमारे इनकम बढ़ने से जो इन्फीरियर गुड्स है उसकी डिमांड कम हो रही है। तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये डिपेंड मेरी इनकम पर नहीं करता, ये नेचर ऑफ गुड्स पर करता है कि गुड्स का नेचर क्या है। समझे या नहीं समझे? तो ये मत बोल देना इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी, आप बोलना इनकम बढ़ी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ी, तब ठीक है आपका आंसर। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? तो बेसिकली मैं पहले बात करता हूं नॉर्मल गुड्स की। ठीक है, अब आप बताइए जरा मुझे, एक गुड्स है एक्स, आप बताना कि ये किस टाइप की गुड्स है। मैं बात करता हूं इनकम की और मैं बात कर रहा हूं इसके डिमांड की। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम मैंने एक्स क्या है क्या नहीं है, मैं बस इतना बता रहा हूं मेरी इनकम बढ़ी तो मैं क्या करने लग गया, मैं इसको ज़्यादा खरीदने लग गया। अब बताओ ये कौन सी गुड्स है? समझ में आ गया आपको कौन सी गुड्स है? ये नॉर्मल गुड्स है। समझे में आया या नहीं आया? और मेरी इनकम कम हुई तो मैंने इसकी डिमांड कम कर दी, क्योंकि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। तो नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन यही है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर जिस गुड्स की डिमांड बढ़ा दे और इनकम कम होने पर इसकी डिमांड कम कर दे, वो जो गुड्स है वो गुड्स एक नॉर्मल गुड्स होती है। तो इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर है? तो आइए मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, एक केस दे देता हूं मैं आपको। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, क्या हुआ इससे? इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है जी, इसका डायग्राम बना सकते हो आप, क्या होगा बताओ? ठीक है जी, और रीजन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी, डीडी डिमांड कर। हाँ जी, अब मुझे बताइए, आप नॉर्मल गुड्स से कंज्यूमर हैं और आपकी इनकम बढ़ गई हो, तो आप क्या करने वाले हैं डिमांड के साथ में? यहाँ से समझा, यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्या करने वाले हैं? बढ़ाओगे। अब जो डिमांड बढ़ रहा है, क्या इस नॉर्मल गुड्स का प्राइस का कोई रोल है? नहीं, वो तो कांस्टेंट है। रोल किसके? अदर फैक्टर का। तो बताइए कर्व पे मूवमेंट होगा, शिफ्टिंग होगी? शिफ्टिंग होगी कर्व की। तो कर्व क्या हो जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे सेम प्राइस पर डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो कर्व आपका जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप अपने एग्जाम के अंदर कुछ इस तरीके से, आप अलग कलर तो नहीं करेंगे, बट इसको आप किस में बना सकते हो, डॉटेड में आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना, ये तो पूरा ही चला गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से आप, तो ये जो डॉटेड बनाते हो ना, इससे पता लगता है कि आप एक नया करवाया है। तो इन तो आप सीधा बना दोगे तो एग्जामिनर को पता ही चलेगा आप राइट शिफ्ट कर रहे हो, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो। और आप ये जरूर बता दें तो सारी दुविधा एग्जामिनर की जो है वो हट जाएगी। क्लियर है जी? इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे इसको हम? इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर है? कोई डाउट? और इसी तरीके से अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए और वो नॉर्मल गुड्स का कंज्यूमर है, तो उसकी डिमांड क्या करेगा? कम करेगा। तो डिमांड कर ब्लैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। चलिए
अब बात करूं मैं कहां पर इंफीरियर गुड्स की, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स के अंदर आप बताइए क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए, इन्फीरियर गुड्स, एक गुड्स एक्स है, बात मैं कर रहा हूँ इनकम की अपनी, और मैं बात कर रहा हूँ इसकी डिमांड की, और मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी इनकम जैसी ही बढ़ी ना, मैंने इसकी डिमांड कम कर दी, तो कौन सी गुड्स है ये? इन्फीरियर। तो इन्फीरियर गुड्स किसे कहते हैं? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर जिस गुड्स की डिमांड कम कर दे, और इनकम कम होने पर जिसकी डिमांड ज़्यादा कर दे, वो गुड्स इन्फीरियर गुड्स होती है। क्लियर है? तो इस केस में अगर इनकम बढ़ गई, इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कर्व पर डायग्राम अगर आप बनाओगे, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो इन्फीरियर गुड्स का आपको डायग्राम बनाना है वाई एक्स, और ये क्या हो गया हमारे पास में प्राइस, और ये क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व हो गया, एक प्राइस ले लेते हैं, एक डिमांड कर्व ले लेते हैं, पहले ओरिजिनल सिचुएशन है ना ये हमारा, कि पहले हम ये था। अब बताइए, ये एक इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी इनकम क्या हुई, बढ़ गई, तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कम। तो सबसे पहले आप यहाँ सेट कर लिया करो, आपको आगे जाना है पीछे जाना है। अब बताइए ये किसकी वजह से हुआ, उस इन्फीरियर गुड्स की प्राइस की वजह से या अदर फैक्टर? अदर फैक्टर। तो डिमांड कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो नए कर्व को D1 से बताओ, और ये भी बताओ कहाँ हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। अब सेम प्राइस पर डिमांड पहले से कम हो रही है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी? और एक है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। जाहिर सी बात है कि कई बार अदर फैक्टर में ये बातें भी आती हैं, कई बार फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है, कल से पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो आज आप देखने को क्या मिलेगा आपको, आज तो उसकी प्राइस में चेंज नहीं आया ना, तो आज उसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा, आज उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, लोग अपनी टंकी फुल करवाने लग जाएंगे। तो कई बार डिमांड में चेंज इस वजह से भी आ जाता है, ठीक है ना। गोल्ड अब 1,00,000 रुपये तोला होने वाला है, तो आज तो प्राइस नहीं बढ़ी ना, कल से होगा, तो लोग आज ही उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो डिमांड में चेंज आने के पीछे ये अदर फैक्टर में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि प्राइस में चेंज ऑन द स्पॉट ना हो नहीं हो रहा है, फिर भी आप उसकी डिमांड में चेंज कर रहे हो। क्लियर है? अब डिफाइन द मार्केट डिमांड। देखिए अभी तक जो पढ़ रहे थे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड के अंदर मैं अपने बारे में बात करूंगा, मैं क्या डिमांड कर रहा हूं, आप अपने बारे में बात करेंगे कि आप क्या डिमांड कर रहे हो, ठीक है ना। और मार्केट डिमांड में एक मार्केट के अंदर सभी कंज्यूमर ने मिलकर के जो भी डिमांड करा वो मार्केट डिमांड हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। एग्जांपल के लिए आप क्या खाना चाह रहे हैं आज खाने में, घर में डिनर में, ये आपका इंडिविजुअल डिमांड है, और पूरा परिवार क्या चाह रहा है आप समेत, वो आपका मार्केट डिमांड हो गया। क्लियर है जी? तो मार्केट डिमांड के सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आप क्या बोल दोगे, मार्केट डिमांड। एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, मतलब कि जो मार्केट डिमांड जो है उसके डिटरमिनेंट्स क्या हैं, जो पूरे बाजार की मांग को प्रभावित कर देते हैं, पूरे बाजार की मांग को प्रभावित कर देते हैं, वो डिटरमिनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए ना, मेरी बात समझे, तो पूरे मार्केट की डिमांड बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी, मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। देखिए साइज और कंपोजिशन क्या होता है इसको समझिएगा। भारत की आबादी कितनी है, 130 करोड़, इसको हम क्या बोलेंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन, 130 करोड़। लेकिन इस पॉपुलेशन में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, यूथ भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, और मेल भी है फीमेल भी है, इसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि पॉपुलेशन बढ़ जाने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, इस पर डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है। मान लो पॉपुलेशन में अगर बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है तो च्यवनप्राश जैसी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन में अगर जो है फीमेल ज़्यादा है तो कॉस्मेटिक की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। और मेल है हम जैसे यूथ हैं तो डिमांड ही नहीं बढ़ेगी, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या लेना लेना है, समझे ही नहीं समझे, क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, क्लियर है जी, ठीक है जी। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये बात समझ में आ गई आपको। तो इससे क्या होता है कि अगर ये पॉपुलेशन बढ़ता है तो मार्केट डिमांड जो है
वो कम हो जाती है। पॉपुलेशन कम होता है तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। हाँ जी, सीज़न एंड वेदर, जाहिर सी बात है, अब जो है विंटर आ रहा है तो इसकी वजह से पूरे मार्केट की डिमांड का पैटर्न ही चेंज होता हुआ नज़र आपको आएगा। आपको जो वूलन है, इन सब चीज़ों की डिमांड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है जी? एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, देखो जरा, ये क्लियर है आपको, समझे? और एक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, आय का बंटवारा। देश के अंदर आय का बंटवारा दो प्रकार से होता है, एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और होता है एक इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटीज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं हो गया कि सबकी सैलरी बिल्कुल बिल्कुल सेम बराबर है, 50,000 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस तो होता है, बट वो डिफरेंस एक रीजनेबल होता है, वो गैप कम होता है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे ना, तो गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि एक अगर आप देखेंगे पोस्ट सब इंस्पेक्टर की, तो उसकी तनख्वाह जो है वो 60,000 के आसपास मिलेगा। और अगर आप जाएंगे उससे नीचे जो पोस्ट होती है वो सब इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर से नीचे पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की, उसकी तनख्वाह आपको जो है 60,000 अगर उसकी है, तो उसकी आपके 52-53,000 आपको आपको नज़र आएगी। उसके नीचे जो पोस्ट होती है वो होती है हेड कांस्टेबल की, जिसकी सैलरी आपको 47,000 के आसपास आएगी। उसके नीचे जो पोस्ट होती है वो कांस्टेबल की, जिसकी तनख्वाह जो है वो भी आप देखेंगे तो 42,000 के आसपास आएगी। तो कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक का इतना बड़ा गैप है, लेकिन तनख्वाह में कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो इसे बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और जब इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देश में सभी नागरिकों की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, सभी नागरिक डिमांड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो डिमांड का स्तर बढ़ता है और मार्केट डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन जब इनइक्वालिटीज होती है, लाइक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तनख्वाह 1,00,000 रुपये और एक अकाउंटेंट की तनख्वाह 15,000 रुपये, इस केस में, तो इसमें तो भैया वो जो 15,000 वाला तो डिमांड में पार्टिसिपेट इतना नहीं कर पाएगा, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कितना ही डिमांड कर लेगा अकेला। तो यहाँ पर मार्केट डिमांड का स्तर कम होता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट डिमांड बढ़ता है और इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट डिमांड कम होता है। क्लियर है जी? अब एक सवाल आ गया, स्टेट एनी थ्री कॉजेस द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ अ डिमांड कर्व। आप देखिए, ये सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आगे सवाल है, बस भटकाने के लिए। आपने जो पढ़ा है सफिशिएंट है, कैसे जरा देखिएगा। स्टेट एनी थ्री कॉजेस राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये देखिए, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले बात होता है, डिमांड का शिफ्टिंग हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? अदर फैक्टर। प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या है? कॉन्स्टेंट है। अब बताइए, अदर फैक्टर में ऐसा क्या होगा जिससे कि किसी को, मेरी ये कॉमोडिटी है, आपके पास एग्जाम में पेन होगा ना, पेन को अपनी कॉमोडिटी मान लेना, ठीक है? और इसका डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है पहले को सोचिए। अदर फैक्टर, इसके प्राइस क्या है? कॉन्स्टेंट है। सोचो अदर फैक्टर में ऐसा क्या हो जो इसकी डिमांड लोग करें। किसकी प्राइस? सब्सिट्यूट की प्राइस अगर बढ़ जाए ना, इसकी सब्सिट्यूट की प्राइस, तो लोग इसको पसंद करेंगे, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, इससे डिमांड कर्व इसका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, समझे? और क्या हो सकता है? अगर ये नॉर्मल गुड्स है और मेरी इनकम इंक्रीज हो जाए, तो इसकी डिमांड राइट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसके प्राइस में चेंज तो पता कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिमांड का इसका राइटवर्ड शिफ्ट करना है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और बताइए, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए, ये बात समझ में आई है या नहीं आई आपको? क्लियर है जी? अगर ये इन्फीरियर गुड्स है मेरा और मेरी इनकम कम हो जाए, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। ये सारे रीज़न है या नहीं है, समझे या नहीं समझे? तो ये बस तीन कारण पूछ रहा है आपसे, तो तीन कारणों को आप क्या क्या दे सकते हो। इंक्रीज इन इनकम ऑफ बायर्स ऑफ नॉर्मल गुड्स, इस केस में डिमांड कर्व इसका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, इस केस में इसका डिमांड जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इस केस में भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। मतलब डिमांड बढ़ाना है ना आपको, सोचो डिमांड कैसे बढ़ेगा। अब क्या कह रहे हैं, लेफ्टवर्ड मतलब कि डिमांड क्या करना है, कम करना है, बट प्राइस में छेड़ नहीं सकते इसके। अब अदर फैक्टर में ऐसा क्या होगा जो कि इसकी डिमांड, पहले मुझे आप भैया ऑडियो के थ्रू बताएंगे, कौन सा बच्चा बताएगा? इंक्रीज इन इनकम नहीं, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, बताइए जरा, कोई बच्चा बताएगा? रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड।
चले, कोई बच्चा हैंड रेज नहीं कर रहा है भैया, ये क्या बात हुई? हाँ देखिए, डिमांड आपको क्या करना है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है। आपको पता है ये आपकी कॉमोडिटी है, इसका डिमांड कर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? चलिए भैया, कुछ कुछ बच्चों ने करा है, ये करण सिंह नेगी। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी करण बताइए। सर जब हमारा सब्सिट्यूट कोड की जो प्राइस है वो लो होगी तब हमारा सेट मतलब ओरिजिन गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। और सर हमारा नॉर्मल ये राइट साइड करना है सर, लेफ्ट वर्ड लिखा हुआ ना क्वेश्चन, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है। ओके सर, तो हमारे इंफीरियर इनपुट्स होगा उसकी वजह से? क्या इन्फीरियर गुड्स की वजह से नहीं, इन्फीरियर गुड्स अगर आपका है तो उसकी डिमांड कैसे कम होगी बताओ? उसकी डिमांड सर जब हमारा प्राइस है वो सॉरी हमारा प्राइस बढ़े है, प्राइस में चेंज कर ही नहीं सकते आप क्योंकि भैया प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। आपके पास इन्फीरियर गुड्स आपने कह दिया और इसकी डिमांड आप डिमांड कम क्यों करोगे वही बताना है आपको। आप अगर हमारी वो जो है प्राइस जो होगी, चलिए मैं शुभम के पास जा रहा हूँ इसका आंसर लेने के लिए। शुभम बताइए जरा। शुभम शुभम हाँ बताइए जरा आंसर। यस सर, एक मिनट एक मिनट। ये आप अपना ये मेरा गुड्स है, ओरिजिनल गुड्स है, ठीक है? इसके डिमांड कर को लेफ्ट, पहले मेरा क्वेश्चन समझ लो फिर आंसर करना, ठीक है ना? ये मेरा ओरिजिनल गुड्स है, इसके डिमांड कर्व को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है, मतलब इसकी डिमांड कम करनी है, ये बात क्लियर है? और लेफ्ट वर्ड से समझ में आ गया कि इसके प्राइस नहीं छीट सकते आप, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो प्राइस तो कॉन्स्टेंट हुआ। आप बताएंगे जरा, आप आंसर करेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आंसर, अशुभम आप ट्राई करेंगे, बताइए जल्दी। चलिए भरत कुमार आप बताइए, आपके पास आ गया मैं। यार ऐसे नहीं बात बनेगी। हाँ जी आप बताइए। कासिम अली खान। सर एक्चुअली इसमें सर जो सब्स्टिट्यूट गुड होगा अगर उसकी प्राइस सर बढ़ती है सॉरी उसकी कम होती है तो सर उससे हमारा जो ओरिजिनल गुड है सर उसकी जो डिमांड होगी बिल्कुल सही, लेकिन ये आंसर पहले आ चुका है, कम हो चुकी है प्राइस, ठीक है? बिल्कुल सही। हाँ जी प्राइस बढ़ती है तो सर तब जो डिमांड होगी वो गिर जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस अगर बढ़ती है तो ऑरिजिनल डिमांड गिर जाएगी, बिल्कुल सही है। क्योंकि करना क्या था मुझे, मुझे इसकी डिमांड को कम करना है बट इसके प्राइस को मुझे छेड़ना नहीं है। तो अदर मार्केट में ऐसा क्या हो, अदर फैक्टर क्या हो? तो एक तो आपने बताया कि भैया इसका जो सब्सिट्यूट गुड्स है अगर वही सस्ता हो जाए तो भैया इसकी डिमांड गिर जाएगी बिना इसके प्राइस छेड़े। दूसरा आपने बताया जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर वही महंगा हो जाए तो भैया इसकी डिमांड तब भी गिरेगी। दो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट बताया, एक पॉइंट और बता दो। चलो सर जैसे सर जो थर्ड पॉइंट सर दिमाग में नहीं आ रहा है, चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इनकम के ऊपर बात कर सकते हो। इनकम के सर अगर सर अगर इनकम जो है सर अगर इनकम जो है राइट बट सर इसमें हम जो जो हमारा मेन वो होगा वो सर ओरिजिनल गुड्स होगा जिसमें जिसकी डिमांड अफेक्ट होगी राइट सर? हाँ बिल्कुल सही। तो आप अपने ओरिजिनल गुड्स को नाम दे सकते हो, आप इसको नॉर्मल गुड्स बोल सकते हो कि मेरा जो ओरिजिनल गुड्स है वो नॉर्मल गुड्स है। ओके तो सर इसमें यानी कि हम सर इनके गुड्स को कंसीडर नहीं कर सकते? नहीं आप दोनों कर सकते हो, जैसे मैं चलिए मैं एज ए स्टूडेंट आंसर कर रहा हूँ। सर मेरे पास जो नॉर्मल गुड्स है, जो मेरे पास में मेरा ओरिजिनल गुड्स है ये एक नॉर्मल गुड्स है, मैंने मेंशन कर दिया लिखने में कि मैं जिस गुड्स की बात कर रहा हूँ मेरा नॉर्मल गुड्स है। तो कंज्यूमर के मेरी इनकम अगर कम हो जाए, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी जी सर। अगर आप कितनी बढ़ जाएंगे, अगर आप बोलोगे इन्फीरियर केसेस में, अगर ये मेरा गुड्स इन्फीरियर गुड्स है डिमांड तो कम करना है मुझे, तो इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स अगर मेरी इनकम बढ़ जाए तो इसकी डिमांड मैं कम कर दूंगा, क्योंकि आपको डिमांड तो कम करना है ना जी सर। जी क्लियर है जी सर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है डिक्रीज इन, ये सारे पॉइंट्स आपके आ गए, अब मेरी बात जरा समझिएगा, एक्सपेंशन इन डिमांड, बताइए इसका मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ना, बता चुका हूँ ना मैं आपको, किसकी वजह से एक्सपेंशन, ये रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स या अदर फैक्टर, प्राइस, तो क्लियर है, तो यहाँ पर मूवमेंट होगा, शिफ्टिंग होगी, मैं बस आ रहा हूँ क्लास लाइव में आ रहा हूँ। हाँ जी आप बताइए एक्सपेंशन इन डिमांड है हमारे पास में, और एक्सपेंशन इन डिमांड में एक बार बताएंगे आप इसको, इसको मैं बोल सकता हूँ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन ठीक है ना, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बताइए जरा ये जो है डिमांड में एक्सपेंशन हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, रीजन कौन है, अदर फैक्टर या प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स रिस्पॉन्सिबल है, अब बताइए आप इसके प्राइस में क्या चेंज करेंगे जो कि डिमांड बढ़ जाए, इंक्रीज करोगे है ना, तो आप देख रहे हैं पहले जो आपका ये था प्राइस आपने इंक्रीज कर करके ये आया, इसे एक्सपेंशन इन डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, और इंक्रीज इन डिमांड की अगर मैं बात करूं तो क्या यहां पर एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रेक्शन है, क्वांटिटी वर्ड है, मूवमेंट है, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल क्या इसका प्राइस होगा, जब ये चार वर्ड में से कोई वर्ड नहीं मिलते हैं ना तो समझ जाइए जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है, तो यहां पर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो आप थ्योरी में लिख सकते हो, पहले डायग्राम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसको, लेकिन आप इसको सवाल एक जैसा लगेगा आपको देखने में, देखिए फर्क दिख रहा है आपको, क्या फर्क है, यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड आने की वजह से रिस्पॉन्सिबल प्राइस हो गया, यहाँ पर वो वर्ड नहीं आने की वजह से रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर हो गया, डायग्राम चेंज हो गया, और यहाँ पर अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट हो गया, यहाँ पर प्राइस ऑफ गिवन गुड्स कॉन्स्टेंट हो गया, समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी, यहाँ पर मूवमेंट डाउन, यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका अपवर्ड मूवमेंट हुआ, एक गलत डायग्राम बनाया आपका, अच्छा प्राइस ये चेंज हुआ है नीचे हुआ है एक्सपेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हुआ, यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हुआ है, भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछो, बताइए जरा ये क्लियर है, वही सारी बातें कह रहा है, मीनिंग व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड राइज ड्यू टू अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट इट इज नॉन द एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड रेफर टू द राइज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज ड्यू टू एन एनी अदर देन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा, यहाँ प्राइस में चेंज नहीं आया तब भी डिमांड आपका क्या हुआ, ये इंक्रीज है ना 150 करना है, ठीक है जी क्लियर है, इफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व, यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है, यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, क्लियर है जी, यहाँ पर रीजन क्या है, इसकी प्राइस खुद की क्या हुई है, कम हुई है, और यहाँ पर रीजन लिख सकते हो बहुत सारे जो भी आपने बताए राइटवर्ड शिफ्ट होने के पीछे, कॉन्ट्रेक्शन डिमांड कॉन्ट्रेक्शन, भैया किसकी वजह से कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्राइस, क्लियर है, यहाँ पे देखिएगा एक मिस्टेक है पीपीटी बनाते हैं, एक गलती हुई है कि ये वाला डायग्राम है ना ये था, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्ट्रेक्शन डिमांड को करना है ना आपको, डिमांड कम करना है ना तो प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो, और यहाँ पर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड में, बाकी तो ठीक है आंसर, क्लियर है जी, क्लियर है कोई डाउट, अगर यहाँ पर बोलता है, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं जरा समझिएगा, ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बताइए जरा क्या फर्क है, अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो चेंज इन डिमांड, पहले बताइए मुझे चेंज इन डिमांड में क्या प्राइस वर्ड आया, सॉरी क्या क्वांटिटी वर्ड आया, बताओ क्या आया, क्या एक्सपेंशन वर्ड आया, क्या कॉन्ट्रेक्शन वर्ड आया, ठीक है क्या मूवमेंट वर्ड आया, तो मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है, बताइए जरा रिस्पॉन्सिबल कौन है, फिर बताइए जरा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है चेंज इन डिमांड में, अदर फैक्टर, तो अदर फैक्टर जब रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज का मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ना है या कम होना है या दोनों ही,
अदर फैक्टर इज मोर देन डिमांड कर्व, आपका राइट वर्ड भी जाएगा और डिमांड कर्व आपका लेफ्ट वर्ड भी जाएगा, क्लियर है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्राइस होगा ना, और डिमांड को चेंज करना है तो मतलब क्या आपका घटाना है या बढ़ाना है, दोनों करना है, तो प्राइस बढ़ा करके भी बताओगे और प्राइस को कम करके भी बताओगे, समझे, क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस पर शिफ्टिंग हुआ है, यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, क्लियर है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को। तो थोड़ा सा मैं आज जल्दी में हूँ कोई, क्योंकि मैं तीन चार बार दो बार कॉल पिक कर चुका हूँ, आपके जो डाउट्स इससे रिलेटेड आएंगे वीडियो एक बार देख लीजिए, कल पहले मैं 5 मिनट का सेशन रखूँगा, आपका इससे रिलेटेड डाउट पूछ लूँगा या लास्ट में डाउट पूछ लेंगे आपके, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, कल लास्ट के 10 मिनट में इस पर डिमांड पर डाउट रख लूँगा आपके। हाँ, रेगुलर क्लासेस होगी जी।